नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट का रिवीजन, कि इनका टैक्सेशन किस तरह से होता है। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। सबसे पहले अपने इसमें देखा था चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट का टैक्सेशन, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट का टैक्सेशन जो दे रखा है सेक्शन 11, 12 और 13 में। तो इसमें अपने देखा था चैरिटेबल ट्रस्ट होते क्या हैं। तो इनकम टैक्स में कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रखे हैं, चैरिटेबल के कुछ ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रखे हैं। अगर कोई ट्रस्ट उनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव पूरा करता है, उनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव करता है, किसी भी ट्रस्ट का उनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो क्या माना जाता है, वो माना जाता है चैरिटेबल ट्रस्ट। अब क्या ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, तो टोटल 7 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं इसमें। सबसे पहले दे रखा है रिलीफ ऑफ पुअर। अगर किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलीफ ऑफ पुअर, गरीबों की मदद करने का ऑब्जेक्टिव है, गरीबों को रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है, तो क्या बन जाएगा, वो चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। दूसरा, किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन देने का, एजुकेशन मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह, एजुकेशन देने का ऑब्जेक्टिव है, कोचिंग इसमें नहीं आएगा, तो क्या बन जाएगा, वो चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। तीसरा, किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, योग को प्रमोट करने का, योग को प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है, योग की शिक्षा देने का ऑब्जेक्टिव, वो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। चौथा दे रखा है मेडिकल रिलीफ। अगर किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है मेडिकल रिलीफ देने का, मेडिकल फैसिलिटी देने का, एक तरीके से हॉस्पिटल हो गए, तो क्या बन जाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। पाँचवा, अगर किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट की, फॉरेस्ट वगैरह की, वाइल्ड लाइफ वगैरह की रक्षा करने का ऑब्जेक्टिव है, वो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। और अगला पॉइंट है, अगर किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल स्मारक जो होते हैं, मोन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी रक्षा करने का ऑब्जेक्टिव है, वो भी क्या बन जाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, मतलब किसी भी ट्रस्ट का कोई जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए कुछ भी चीज़ करने का ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई भी बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव है, वो भी क्या बन जाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट। जैसे मान लो किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है कोचिंग देने का, वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। किसी का ऑब्जेक्टिव है मान लो मास्क वगैरह बेचने का या सैनिटाइजर वगैरह बेचने का, वो भी क्या बन जाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट। मतलब सारे बिजनेस इसे कवर हो गए। अब लोग क्या करते थे, इस पॉइंट का फायदा उठाने लगते थे, लास्ट वाले पॉइंट का। तो लास्ट वाले पॉइंट के लिए गवर्नमेंट ने कंडीशन डाल दी। कंडीशन क्या डाल दी, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये चैरिटेबल नहीं बनेगा, ये चैरिटेबल नहीं बनेगा अगर बिजनेस रिसीट जो हैं, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के केस में, अगर बिजनेस रिसीट जो है वो टोटल रिसीट का 20% से ज्यादा हो जाती है। अगर बिजनेस रिसीट, बिजनेस एक्टिविटी से जो रिसीट होंगी, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो रिसीट होंगी, वो टोटल रिसीट का 20% से ज्यादा हो जाती है, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं बनेगा। ये पॉइंट ओनली किसके लिए लगेगा, ये कंडीशन ओनली किसके लिए लगेगी, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। जैसे आप कोचिंग का बिजनेस करते हो, मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह बेचते हो आप, तो उसके लिए लगेगी, उसके लिए लगेगी कि अगर आपकी बिजनेस रिसीट टोटल रिसीट का 20% से ज़्यादा हो जाती है, तो आप वो जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये चैरिटेबल नहीं माना जाएगा और इस ईयर में आपको एग्जिमिशन नहीं मिलेगी। इस वाले केस में इस ईयर में आपको एग्जिमिशन नहीं मिलेगी, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन बस आपको एग्जिमिशन नहीं मिलेगी। हाँ, अगले साल मान लो आपकी रिसीट 20% से कम हो जाती है, बिजनेस रिसीट तो मिल जाएगी, लेकिन इस साल आपको एग्जिमिशन नहीं मिलेगी अगर आपकी बिजनेस रिसीट 20% से ज़्यादा हो जाती है, तो टोटल रिसीट का। और ये पॉइंट ओनली किसके लिए है, ऊपर के 6 के लिए नहीं है, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन और हिस्टोरिकल प्लेसेस प्रिजर्वेशन, इनके लिए नहीं है ये। लास्ट कौन से पॉइंट के लिए, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इसके लिए कंडीशन लगा दी। अब अपन आगे कंटिन्यू करें, इसमें आगे से दे रखा था इनकम ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, होटल, हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन विच एग्जिस्ट सोलली फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे आपको सेक्शन 1023C है एक, जिसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी वगैरह, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, इनकी इनकम को एग्जम्प्ट बता रखा है, इनकी इनकम को एग्जम्प्ट बता रखा है। अगर इनका पर्पस क्या है, एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ देने का, एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ देने का, और प्रॉफिट का पर्पस नहीं है, प्रॉफिट का पर्पस नहीं है, मेन पर्पस क्या है इनका, एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ देने का पर्पस है। तो कौन कौन से इनकम एग्जेम्प्ट बता रखी है, देखो इसमें सबसे पहले तो कोई गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो होली या सब्सटेंशियली गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस है। अब गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपन किसको बोलेंगे, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट टोटल रिसीट का 50% से ज्यादा है, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट टोटल रिसीट का 50% से ज्यादा है, वो बन जाएगी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसकी इनकम पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी, चाहे उसकी रिसीट कितनी भी हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, उसकी इनकम जितनी भी होगी पूरी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। दूसरा, कोई प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल है और जिसकी ग्रोस रिसीट्स जो है, ग्रोस एनुअल रिसीट्स, वो अप टू रुपीज़ वन करोड़ तक है, तो उसकी भी पूरी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। क्या देखेंगे अपन, ग्रोस रिसीट अप टू रुपीज़ वन करोड़ तक है, तो ऐसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल है, उसकी इनकम भी क्या हो जाएगी, पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, अगर वो प्रॉफिट के लिए नहीं बना, एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए बनाए। और सारे के सारे प्राइवेट जो स्कूल या हॉस्पिटल होते हैं, वो क्या दिखाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी देना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, और सब इसका बेनिफिट लेते हैं। तीसरा, और कोई प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल, और कोई प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब जिसकी ग्रोस रिसीट 1 करोड़ से ज़्यादा है, कोई प्राइवेट स्कूल या हॉस्पिटल है जिसकी ग्रोस रिसीट 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। उस केस में एसएससी को क्या करना पड़ेगा, अप टू 30 सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर एसएससी को
एप्लीकेशन करना पड़ेगा डिपार्टमेंट वालों को, एसएससी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा एग्जिमिशन के लिए डिपार्टमेंट वालों को। और यहाँ जो एग्जिमिशन मिलेगी ना, फुली एग्जिमिशन नहीं मिलेगी यहाँ पे, फुली एग्जिमिशन नहीं मिलेगी यहाँ पे। एग्जिमिशन मिलेगी सेक्शन 11-1 और 11-2 में, जो अपन अभी पढ़ेंगे, सेक्शन 11-1 और 11-2 के अकॉर्डिंग यहाँ एग्जिमिशन मिलेगी। तो फुली एग्जिमिशन नहीं मिलेगी, 11-1 और 11-2 के अकॉर्डिंग यहाँ एग्जिमिशन मिलेगी। तो गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल फुली एग्जाम, चाहे रिसीट कितनी भी हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 50 करोड़ हो, फुली एग्जाम। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल या हॉस्पिटल है जिनकी रिसीट अप टू रुपीज 100 करोड़ है, क्या माना जाएगा? फुल्ली एग्जाम, दूसरा पॉइंट। और तीसरा, प्राइवेट स्कूल या हॉस्पिटल है जिनकी रिसीट 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको भी एग्जिमिशन मिल जाएगी। उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा अप टू 30 सितंबर ऑफ सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स वालों को। और उनको जो एग्जिमिशन मिलेगी फुल्ली नहीं मिलेगी, कौन सी मिलेगी? सेक्शन 11-1 और 11-2 वाली मिलेगी। अब आते हैं अपन सेक्शन 11 पे, इनकम ऑफ चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, इनकी इनकम क्या क्या होती है, सबसे पहले ये दे रखा है कि कौन कौन सी इनकी इनकम होती है। तो इनकम ऑफ ट्रस्ट इंक्लूड्स, कौन कौन सी इनकम होती है, सबसे पहले बता रहा है डोनेशन। मेन इनकम इनकी होती है डोनेशन की। डोनेशन को अपन बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। अब डोनेशन तीन तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है कॉर्पस और एक एनोनिमस। एक होता है नॉर्मल डोनेशन, एक होता है कॉर्पस डोनेशन और एक एनोनिमस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन क्या होता है? जो ट्रस्ट के कॉर्पस का पार्ट बनता है, जो ट्रस्ट के कॉर्पस का पार्ट बनता है वो होता है कॉर्पस डोनेशन। अब आप बोलोगे ट्रस्ट का कॉर्पस क्या होता है? ट्रस्ट का कॉर्पस एक ऐसा रिजर्व होता है, जो कभी यूज़ नहीं लिया जाता। वो कभी यूज़ लिया जाता है जब ट्रस्ट की हालत एकदम खराब हो जाती है, जब ट्रस्ट के पास पैसे बिल्कुल नहीं बचते, तब वो कॉर्पस का पैसा यूज़ लिया जाता है। वो एक तरीके से एक गुल्लक होता है, एक क्या बोलते हैं, सेविंग टाइप का गुल्लक होता है जो कभी यूज़ नहीं लिया जाता। वो जब ट्रस्ट बिल्कुल खराब स्थिति में हो जाता है तब यूज़ लिया जाता है, उसे बोलते हैं कॉर्पस। तो एक होता है नॉर्मल डोनेशन, एक ऐसा डोनेशन जो ट्रस्ट के कॉर्पस का पार्ट बनता है। अब कॉर्पस डोनेशन क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, कहीं भी कॉर्पस वर्ड लिख के तो समझ जाना वो क्या है, कॉर्पस डोनेशन। कहीं भी लिख देगा लाइन में डोनेशन फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस, ऐसा लिख देगा, या कॉर्पस डोनेशन लिख देगा, तो क्या बन जाएगा वो, कॉर्पस डोनेशन। एक होता है एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन होता है गुप्त दान। गुप्त दान होता है जिसमें जो डोनेशन रिसीव करने वाला है वो डोनर का रिकॉर्ड नहीं रखता, इसे बोलते हैं एनोनिमस डोनेशन। तो तीन तरह के डोनेशन होते हैं, नॉर्मल डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन। अगर कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, खाली डोनेशन वर्ड दे रखा, क्या मानेंगे अपन? नॉर्मल डोनेशन। खाली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वर्ड दे रखा, क्या मानेंगे अपन? नॉर्मल डोनेशन। अगर कॉर्पस के लिए दे रखा है तो स्पेशल लिखेगा कॉर्पस है, और एनोनिमस है तो उसका भी स्पेशल लिखेगा कि ये एनोनिमस डोनेशन। ये हो गया डोनेशन। दूसरा है गवर्नमेंट ग्रांट। ट्रस्ट को गवर्नमेंट के ग्रांट्स भी मिलते हैं। दो तरह के गवर्नमेंट ग्रांट मिलते हैं, एक तो नॉर्मल और एक ऐसा गवर्नमेंट ग्रांट जो कॉर्पस का पार्ट बनता है। तो कुछ नहीं दे रखा तो अपन क्या मानेंगे? नॉर्मल। अगर कॉर्पस वर्ड दे रखा है तो कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट अपन मान लेंगे। तीसरी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी है उससे इनकम हो रही है। ट्रस्ट की कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे मान लो ट्रस्ट की एक हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट ने रेंट पे दे दिया, तो उससे इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट आ गई। दूसरा, ट्रस्ट के मान लो एक लैंड या बिल्डिंग है, ट्रस्ट ने उसको सेल कर दिया, सेल करने पे कैपिटल गेन हुआ, वो भी क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। मान लो एक ट्रस्ट की स्कूल है, स्कूल या हॉस्पिटल है जिसकी ग्रोस रिसीट 1 करोड़ से ज़्यादा है। देखो 1 करोड़ तक है तो वो तो एग्जेम्प्टी हो जाएगी, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उससे जो रिसीट्स मिल रही है, रिसीट्स फ्रॉम कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, वो भी क्या मान जाएगी? एक तरीके से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। इसके अलावा ट्रस्ट की अदर सोर्स की इनकम भी हो जाती है। ट्रस्ट ने लोन वगैरह दे दिया, उससे इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो रही है, तो अदर सोर्स की इनकम भी होती है। ये सब क्या मानी जाती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। इसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव। कभी कभी ट्रस्ट बिजनेस भी करते हैं और मेन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए वो बिजनेस करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में क्या है, उन्होंने अंदर एक मेडिकल शॉप खोल रखी है, मेडिकल का बिजनेस खोल रखा है, मेडिकल शॉप का बिजनेस खोल रखा है। तो वो मेडिकल शॉप का बिजनेस क्यों खोल रखा है? ताकि उनका हॉस्पिटल का क्या ऑब्जेक्टिव है, मेडिकल रिलीफ देने का, वो पूरा हो सके। तो मेडिकल का बिजनेस है वो क्या माना जाएगा, उससे इनकम जो होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव, और ये भी ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी। ऐसे एक और एग्जाम्पल दूँ, जैसे अक्षय पात्र वाले हैं, इनका मंदिर है, इन्होंने बुक्स का बिजनेस भी कर रखा है, मंदिर में बुक्स का बिजनेस भी कर रखा है, ये रामायण की बुक, भागवत गीता की बुक, ये सब बुक सेल करते हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? धर्म की शिक्षा देने का। तो बुक्स का बिजनेस क्यों कर रखा है इन्होंने? ताकि वो धर्म की शिक्षा दे सके। तो वो बुक्स का बिजनेस क्या है इनका? मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेस है। तो उससे जो बिजनेस की इनकम होगी वो क्या मानी जाएगी? ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा ट्रस्ट को इनकम होती है 10-1 वाली भी, एग्रीकल्चर इनकम भी होती है किसी किसी ट्रस्ट को। एक 1023C वाली अपन ने देखा था, 1023C वाली, ये स्कूल हॉस्पिटल वाली इनकम भी होती है। तो ये सब ट्रस्ट की इनकम होती है, ये सब ट्रस्ट की इनकम होती है। इसके अलावा भी और इनकम हो सकती है, लेकिन ये मेन ट्रस्ट की इनकम होती है। अब ट्रस्ट की इनकम पर टैक्स कैसे लगेगा, तो ये देखो टेबल देखो इसमें। सबसे पहले कॉर्पस डोनेशन, कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट, और इनकम जो है 10-1 वाली और 1023C के 0.102 वाली। कौन कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? सबसे पहले कॉर्पस डोनेशन, दूसरा कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट, और तीसरा इनकम अंडर नेचर 10-1। 10-1 कौन सी? एग्रीकल्चरल इनकम। और 0.1 and 2 ऑफ 1023C, 1023C देखो अभी अपन ने देखा था, 1023C, इसे 0.1 and 2 की बात कर रहा हूँ। 0.1 कौन सी? गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ ग्रोस
जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो टोटल रिसीट का 50% से ज़्यादा है। और दूसरा पॉइंट क्या था, ऐसे स्कूल या हॉस्पिटल वगैरह जिनकी ग्रोस रिसीट कितनी अप टू 1 करोड़ है, तो ऐसी कोई इनकम है ट्रस्ट की, कॉर्पस डोनेशन, कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट और इनकम ऑफ नेचर अंडर सेक्शन 10(1) एंड पॉइंट 1 एंड 2 ऑफ 1023 सी, ऐसी इनकम ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगी। इनमें कुछ भी नहीं देखना, पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी एग्जम्प्ट, कौन कौन सा, कॉर्पस डोनेशन, कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट, एग्रीकल्चर इनकम और 1023 सी का 0.102, ऐसी कोई ट्रस्ट की इनकम है तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगी। दूसरा एनोनिमस डोनेशन, अगर ट्रस्ट को क्या मिलता है, गुप्त दान मिलता है एनोनिमस डोनेशन, जो 115 बीबीसी में टैक्सेबल होता है। एनोनिमस डोनेशन कहाँ टैक्सेबल होता है, 115 बीबीसी अपन देखेंगे वहाँ टैक्सेबल होता है, तो इसको अपन को सेपरेट मानना है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये क्या होता है, टैक्सेबल होता है। अब इसके अलावा और कोई भी इनकम बच गई, एनी अदर इनकम, एनी अदर इनकम मतलब ऊपर देखो काफ़ी सारी इनकम बच गई, नॉर्मल डोनेशन बच गया, नॉर्मल गवर्नमेंट ग्रांट बच गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट बच गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव बच गया, और 1023 का 0.3 बच गया ग्रोस रिसीट 1 करोड़ से ज़्यादा वाली, तो ये सारी इनकम बच गई एनी अदर इनकम। अब एनी अदर इनकम का क्या करोगे, एनी अदर इनकम का दो पार्ट करेंगे। एनी अदर इनकम में सबसे पहले तो आपको 15% का क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, जो भी एनी अदर इनकम बच गई उन सबका टोटल करेंगे और उसका 15% क्या मिल जाएगा आपको, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, 15% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। अब रिमेनिंग बचा 85%, तो रिमेनिंग 85% में क्या होगा, जितना अमाउंट आपने इंडिया में, इंडिया के अंदर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ के लिए खर्च कर लिया, जितना अमाउंट आपने इंडिया में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ के लिए अप्लाई कर लिया, खर्च कर दिया, उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा 15% का, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन। और रिमेनिंग 85% में क्या होगा, जितना अमाउंट 85% में से जितना अमाउंट आपने इंडिया में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ के लिए खर्च कर दिया, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ के लिए इंडिया में खर्च कर दिया, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये डिडक्शन कहाँ मिलता है, ये मिलता है सेक्शन 11(1) और 11(2) कहाँ मिलता है, 11(1) और 11(2) में, ये अपन पढ़ेंगे अब 11(1) और 11(2) डिटेल में। अब सबसे पहले आया अपना अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पज़ इन इंडिया, देखो 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, 85% में जितना अमाउंट आपने इंडिया में खर्च कर दिया चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ के लिए वो आपका लेस हो जाएगा। अब इंडिया में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ के लिए खर्च करने का मतलब क्या माना गया है, तीन चीज़ें मानी गई हैं, तीन चीज़ें क्या क्या मानी गई हैं, पहला रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के जो भी रेवेन्यू खर्चे करते हो ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट के लिए जो भी आप कैपिटल खर्चे करते हो, ट्रस्ट के लिए जो भी रेवेन्यू खर्चे करते हो, जो भी कैपिटल खर्चे करते हो, कैपिटल खर्चे मतलब लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह परचेज करी आपने, या बिल्डिंग वगैरह का, या अदर असेट्स का आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाया, तो परचेज कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है लैंड बिल्डिंग वगैरह का, या अदर असेट्स मशीन वगैरह फर्नीचर वगैरह, ये सब कैपिटल एक्सपेंस में जाएंगे। तो रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा सब क्या माना जाएगा, अप्लाइड माना जाएगा ट्रस्ट के रेवेन्यू खर्चे और कैपिटल खर्चे, लेकिन इंडिया में करने पड़ेंगे, इंडिया के बाहर नहीं। दूसरा, आप किसी और ट्रस्ट को डोनेशन देते हो, ट्रस्ट वाला क्या करता है, एक ट्रस्ट है जो किसी और ट्रस्ट को क्या देता है डोनेशन, किसी और ट्रस्ट को या किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देता है जो कहाँ रजिस्टर्ड है, 12AA में या 1023C में, किसी और ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देता है जो कहाँ रजिस्टर्ड है, 12AA में या 1023C में, उनको डोनेशन देते हो तो उसको भी क्या माना जाएगा, अप्लाइड माना जाएगा, रजिस्टर्ड को देते हो तो ही माना जाएगा, अगर अनरजिस्टर्ड को देते हो तो नहीं माना जाएगा, इसको भी अप्लाइड माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आप कोई कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए लोन लेते हो, लैंड को खरीदने के लिए, बिल्डिंग को खरीदने के लिए, या कोई भी कैपिटल एसेट है उसको खरीदने के लिए लोन लेते हो, या उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मान लो अगर आप लोन लेते हो, तो उस लोन का जो रिपेमेंट करोगे, उस लोन का रिपेमेंट करोगे वो भी क्या बन जाएगा, वो भी अप्लाइड में माना जाएगा, वो भी अप्लाइड माना जाएगा, उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। किस किस का, रेवेन्यू और कैपिटल खर्चों का, किसी दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हो जो रजिस्टर्ड है, तीसरा अगर आप किसी कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लेते हो और उस लोन का रिपेमेंट करते हो, वो भी क्या माना जाएगा, अप्लाइड माना जाएगा। अब इसमें कुछ नोट है, कुछ नोट ध्यान देना, पहली बात देखो, अपन ने कैपिटल एक्सपेंस को अप्लाइड मान लिया, मतलब असेट की कॉस्ट को अप्लाइड मान लिया, बिल्डिंग वगैरह की कॉस्ट को, या मशीन वगैरह की कॉस्ट को, या फर्नीचर वगैरह की कॉस्ट को अपन ने अप्लाइड मान लिया, तो अप्लाइड आपने मान लिया, लेस कर लिया, डिडक्शन ले लिया। अब ऐसे असेट पे आपको डेप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा, ना तो करंट ईयर में अप्लाइड माना जाएगा डेप्रिसिएशन, ना आगे के वाले सालों में अप्लाइड माना जाएगा, किसी भी ईयर में उस असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन को अप्लाइड नहीं माना जाएगा, जबकि डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरीके से रेवेन्यू खर्चा है, लेकिन डेप्रिसिएशन को अप्लाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने कॉस्ट को अप्लाइड मान लिया, या तो कॉस्ट को अप्लाइड मान लो या डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले लो, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, सिंगल ही बेनिफिट मिलेगा, या तो कॉस्ट को अप्लाइड मानो या डेप्रिसिएशन को मान लो। तो इन्होंने बोला अगर आपने कॉस्ट को अप्लाइड माना है तो डेप्रिसिएशन उस असेट पे नहीं मिलेगा आपको, ना तो करंट ईयर में मिलेगा, ना आगे वाले सालों में मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, अगर आप किसी दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को जो रजिस्टर्ड है, किसी दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को जो रजिस्टर्ड है 12AA में या 1023C में, 12AA में या 1023C में, उनको अगर आप कॉर्पस डोनेशन देते हो, कॉर्पस डोनेशन देते हो, तो उसको भी अप्लाइड नहीं माना जाएगा, उसको अप्लाइड नहीं माना जाएगा। नॉर्मल डोनेशन देते हो अप्लाइड मान लिया जाएगा, लेकिन कॉर्पस देते हो दूसरे को, दूसरे किसी ट्रस्ट को अगर आप कौन सा डोनेशन देते हो, कॉर्पस डोनेशन देते हो जो रजिस्टर्ड है 12AA में 1023C में, उसको अप्लाइड नहीं माना जाएगा। पहले यहाँ पे ओनली 12AA कवर था, अब इन्होंने इस साल अमेंडमेंट करके इसको 1023C भी कवर कर लिया। तो अगर आप किसी दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन देते हो जो रजिस्टर्ड है 12AA में या 1023C में, तो अप्लाइड नहीं माना जाएगा। और तीसरा केस,
तीन सेक्शन की बात हो रही है, किस किस की? 40AIA, 40AIA पढ़ा था ना, अगर आप किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हो बिना TDS डिडक्ट करे, या TDS तो डिडक्ट किया आपने लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू ड्यू डेट तक, तो आपका खर्चा 30% इसका हो जाता है, पढ़ा था 40AIA, वही बात है। दूसरा 40A3 और 40A3 है। 40A3 भी अपने पढ़ा था, अगर आप किसी पर्सन को खर्चे का पेमेंट करते हो 10,000 से ज़्यादा का, 10,000 से ज़्यादा का कैश, बीरर चेक, क्रॉस चेक से, तो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। ऐसे ही अपने 40A3 पढ़ा था, आपने मान लो किसी खर्चे का डिडक्शन पहले ले लिया था अक्रूअल बेसिस पे, पेमेंट नहीं किया था अक्रूअल बेसिस पे, खर्चे का डिडक्शन ले लिया था और उस खर्चे का पेमेंट इस साल कर रहे हो 10,000 से ज़्यादा का कैश में या बीरर चेक से या क्रॉस चेक से, तो वो आपकी एक तरीके से इनकम बन जाता है। तो तीन सेक्शन, 40AIA, 40A3 और 40A3A, ये रेवेन्यू एक्सपेंस, जो ट्रस्ट के जो रेवेन्यू वगैरह के खर्चे हैं उनमें भी अप्लाई होंगे, ट्रस्ट के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनमें भी ये तीनों सेक्शन अप्लाई होंगे। मतलब अगर आपने कोई पेमेंट किया है जिस पर TDS डिडक्ट होना चाहिए था लेकिन आपने डिडक्ट नहीं किया, किसी रेजिडेंट को पेमेंट किया TDS डिडक्ट होना चाहिए था आपने डिडक्ट नहीं किया, तो या डिडक्ट नहीं किया या आपने ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाया, तो आपका खर्चा क्या होगा? 30% डिसअलाउ हो जाएगा। वो वाला खर्चा क्या हो जाएगा जिस पर TDS डिडक्ट होना चाहिए, तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, उसको इग्नोर कर देना उस खर्चे को। दूसरा, अगर आपने किसी पर्सन को 10,000 से ज़्यादा का कैश, बीरर चेक या क्रॉस चेक से पेमेंट किया है, तो जितना पेमेंट आपने कैश, बीरर चेक, क्रॉस चेक से किया है वो वाला पेमेंट आप हटा देना रेवेन्यू एक्सपेंस से, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, उसको अप्लाइड नहीं माना जाएगा, उसको अप्लाइड नहीं माना जाएगा। तो ये पॉइंट ट्रस्ट के केस में भी लगेंगे, 40AIA, 40A3 और 40A3, बस ये तीन सेक्शन लगेंगे। अब आप बोलोगे 40AI क्यों नहीं लगा, नॉन रेजिडेंट वाला क्यों नहीं लगा? तो मैंने क्या बोला था ऊपर, देखो ऊपर क्या बोला था, अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस इन इंडिया, इंडिया में आपको अप्लाइड करनी पड़ेगी, मतलब खर्चे वगैरह सब आपको इंडिया में करने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया के बाहर करते हो तो उसको तो वैसे ही अप्लाइड नहीं माना जाता, इंडिया के बाहर कोई खर्चा करते हो किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो अप्लाइड ही नहीं माना जाता, इन इंडिया करने पड़ते हैं आपको, ये बात है। इस कारण 40AI यहाँ कवर नहीं है, वो तो अप्लाइड ही नहीं माना जाता वैसे ही, तो 40AI की बात ही क्या हुई। तो बस खाली इन तीन सेक्शन की बात हो रही है और कोई सेक्शन की बात नहीं हो रही, 43B, 40A2 इनकी किसी भी बात नहीं हो रही, बस इन तीन सेक्शन की बात है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगर आप लैंड या बिल्डिंग परचेज करते हो, लैंड या बिल्डिंग परचेज करते हो तो आपको परचेज प्राइस को, जो परचेज प्राइस होगी लैंड बिल्डिंग की, उसको अप्लाइड माना जाएगा। अगर उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है तो उसको इग्नोर कर देना। जैसे मान लो एक लैंड है जो आपने परचेज किया 100 लैक्स में, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है उसकी 150 लैक्स, 100 लैक्स में आपने परचेज किया, 150 लैक्स की क्या है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो आपको जो परचेज प्राइस क्या है 100 लैक्स, 100 लैक्स को अप्लाइड माना जाएगा, 150 लैक्स को नहीं माना जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर कर देना। अब आप बोलोगे इग्नोर क्यों करते हैं? ट्रस्ट के केस में एक सेक्शन होती थी 56-10, याद हो 56-10, वो क्या बोलती थी, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह, लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में या बिना कंसिडरेशन में मिल जाती है 50,000 से ज़्यादा की, तो डिफरेंस अमाउंट आपकी क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। वो ट्रस्ट के केस में अप्लाई नहीं होती वो सेक्शन, मैंने पढ़ाया था आपको 56-10 में कि अगर किसी ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है उसको अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है, लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह मिलती है इनएडुकेट कंसिडरेशन में या बिना कंसिडरेशन में, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस वगैरह जो है 50,000 से ज़्यादा है, तो प्रोविजन लगता नहीं है ट्रस्ट के केस। जब ट्रस्ट के केस में प्रोविजन नहीं लगता, जब अपन ट्रस्ट के केस में इनकम ही नहीं बनाते, जो डिफरेंस अमाउंट है 100 लाख की आपकी परचेज प्राइस है, 150 लाख की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी, तो 50 लाख को जब अपन इनकम ही नहीं बनाते तो उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता। इस कारण स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर कर दो, ओनली जो परचेज प्राइस है वही कंसिडर करेंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ इग्नोर कर देना, ये बात है इसमें। अगला है पॉइंट, अगर मान लो आप कुछ रीजन के कारण, दो रीजन दे रखे हैं, उन रीजन के कारण अगर आप 85% अप्लाई नहीं कर पाते, 85% अप्लाई नहीं कर पाते तो उसको डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा, उसके लिए कंडीशन है, लेकिन कंडीशन अगर आप पूरी कर देते हो तो उसको डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा। अब कंडीशन क्या केस है, पहले वो रीजन देखते हैं। पहला रीजन है आपको इनकम ही रिसीव नहीं हुई प्रीवियस ईयर में। पहला रीजन क्या है, आपको इनकम रिसीव नहीं हुई प्रीवियस ईयर में, आपकी इनकम आउटस्टैंडिंग थी। अब जब इनकम ही रिसीव नहीं हुई तो उसको अप्लाई कैसे करोगे आप? जब आपको इनकम ही रिसीव नहीं हुई तो आप उसको अप्लाई कैसे करोगे? आपकी इनकम क्या थी? आउटस्टैंडिंग थी। आउटस्टैंडिंग थी, इनकम रिसीव नहीं हुई तो उसको अप्लाई कैसे करोगे? तो इसको डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा, डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा, डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा। कंडीशन क्या है उसके लिए, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको AO को लिख के देना पड़ेगा, AO को आपको, AO मतलब असेसिंग ऑफिसर को, आपको लिखित में वादा देना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ ROI तक, ड्यू डेट ऑफ ROI तक क्या लिख के देना पड़ेगा कि मैं उस इनकम को, ट्रस्ट वाला क्या लिखेगा कि मैं उस इनकम को जिस ईयर में वो इनकम मेरे को मिल जाएगी उस ईयर में अप्लाई कर लूँगा या उससे अगले साल अप्लाई कर लूँगा, मैं उस इनकम को जिस ईयर में वो इनकम मेरे को मिल जाएगी उस ईयर में अप्लाई कर लूँगा या उससे अगले साल अप्लाई कर लूँगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप उस ईयर में मेरी क्या बना देना, उसको मेरी इनकम बना देना और उस पर मेरी टैक्स ले लेना। तो आपको AO को लिख के वादा करके देना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ ROI तक कि मैं उस इनकम को जिस ईयर में वो इनकम मेरे को मिल जाएगी या तो उस ईयर या उससे अगले साल, जिस ईयर में मेरे को मिल जाएगी या तो उस ईयर या उससे अगले साल मैं उसको अप्लाई कर लूँगा, नहीं तो आप उसको मेरी इनकम बना देना, ये लिख के देना पड़ेगा। अब इसमें एक पॉइंट और है, इग्नोर इफ ट्रस्ट फॉलो कैश सिस्टम। अगर मान लो ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है, ट्रस्ट अक्रूअल सिस्टम फॉलो नहीं करता, ट्रस्ट देखो कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकता है, अक्रूअल सिस्टम भी फॉलो कर सकता है, कंपनीज को ऑप्शन अलाउड नहीं होता, ट्रस्ट वगैरह को ऑप्शन अलाउड है कि कैश सिस्टम फॉलो करना चाहे तो फॉलो कर सकता है।
अपने देखा था ना पीजीपी में कैश सिस्टम फॉलो करो या अक्रूअल सिस्टम फॉलो करो। जब अगर ट्रस्ट मान लो कैश सिस्टम फॉलो करता है तो वो अपनी इनकम में कौन सी इनकम कंसिडर करेगा जो उसको कैश में मिली है, वही तो करेगा। जब वो इनकम में कौन सी इनकम कंसिडर करेगा जो उसको कैश में मिली है, तो इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं हुआ। पॉइंट का मतलब क्यों नहीं हुआ? जब आपने इस पॉइंट को इनकम में कंसिडर ही नहीं किया तो अप्लाइड मानने की जरूरत ही क्या है? जब आपने इस पॉइंट को इनकम में कंसिडर ही नहीं किया तो अप्लाई मानने की जरूरत ही क्या है? तो ये पॉइंट कुछ काम का नहीं है। पहले वाला पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट? इनकम नॉट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। तो अगर ट्रस्ट ने कैश सिस्टम फॉलो किया है तो इस पॉइंट को इग्नोर कर देना। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं, पर अदर रीजन। अदर रीजन क्या है? ट्रस्ट को क्या हुआ, जो इनकम रिसीव हुई है वो लास्ट डेज में रिसीव हुई है। ट्रस्ट को इनकम कब रिसीव हुई है? लास्ट डेज ऑफ प्रीवियस ईयर। लास्ट डेज ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर है अपना 2021। 2021 की लास्ट डेज है 31 मार्च 2021 को, या 30 मार्च 2021 को, या 28 मार्च 2021 को, 29 मार्च 2021 को इनकम रिसीव हुई है। अब बेचारा ट्रस्ट 2-3 दिन में उसको अप्लाई कैसे करेगा? इतनी जल्दी अप्लाई कैसे कर सकता ट्रस्ट? टाइम तो चाहिए अप्लाई करने के लिए, 2-3 दिन में अप्लाई कैसे कर देगा? तो इनकम मान लो लास्ट डेज में रिसीव हुई है तो उस इनकम को डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? आपको एओ को लिखित में वादा देना पड़ेगा अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक। आपको एओ को लिखित में वादा देना पड़ेगा अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक कि उस इनकम को आप नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर दोगे। उस इनकम को आप नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर दोगे, ये आपको लिखित में वादा देना पड़ेगा। और साथ में बोलना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर ट्रस्ट वाला ऐसा नहीं करता तो उस ईयर में आपकी इनकम बन जाएगी, नेक्स्ट ईयर में आपकी इनकम बन जाएगी। तो ये आपको एओ को लिख के देना पड़ेगा। तो इन दोनों केस को डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन जो पहला वाला केस था इनकम नॉट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, अगर ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है तो काम का नहीं है पॉइंट, इग्नोर कर देना इस वाले पॉइंट को, नहीं तो डीम्ड अप्लाई ये तो चीज़ बन जाएंगी। अब आते हैं एग्जेम्पशन इफ इनकम अक्यूमुलेटेड सेट अपार्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सेक्शन 11(2) की एग्जेम्पशन। अब मान लो आप इनकम अप्लाई नहीं करते, 15% का डिडक्शन ले लिया, 85% में से कुछ डिडक्शन ले लिया, फिर आपकी इनकम बच गई, फिर कुछ इनकम बच गई आपकी। अब आप क्या करना चाहते हो? उस इनकम को इकट्ठा करना चाहते हो, अकोमोलेट करना चाहते हो, सेट अपार्ट करना चाहते हो। कोई स्पेसिफिक पर्पस है आपका, कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, उसके लिए आप इनकम को अकोमोलेट इकट्ठा करना चाहते हो, सेट अपार्ट करना चाहते हो। जैसे मान लो आपको एक नया मंदिर बनाना है, या आपको एक नई स्कूल बनानी है, या एक आपको नया कॉलेज बनाना है, या नया हॉस्पिटल बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि एक साल की इनकम से बनेगा, आपको काफ़ी साल की इनकम को इकट्ठा करना पड़ेगा तब जाके वो बनेगा। तो इन चीज़ों के लिए आप क्या करना चाहते हो? इनकम को इकट्ठा करना चाहते हो, सेट अपार्ट करना चाहते हो, तो उसके केस में भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। उसके केस में भी क्या मिल जाएगी आपको? एग्जेम्पशन मिल जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो ट्रस्ट की इनकम थी मान लो 1 करोड़ की, 1 करोड़ की अदर इनकम, जो एग्जेम्प्ट होगी वो वाली नहीं, अदर इनकम, -15% का डिडक्शन मिल गया इसमें से, कितनी बची? 85 लाख्स की बची, 85 लाख्स की बची। मान लो ट्रस्ट ने जो अप्लाई कर दिया वो अप्लाई कर दिया 35 लाख्स अप्लाई कर दिया, अप्लाई या डीम्ड अप्लाई हो गया, तो बचा कितना? 50 लाख्स बचा। अब या तो ट्रस्ट 50 लाख्स की इनकम पे टैक्स दे दे, या वो अकूमुलेट कर सकता है, सेट अपार्ट भी कर सकता है। 50 लाख्स में से मान लो वो सेट अपार्ट करना चाहता है 40 लाख रुपये, वो क्या करना चाहता है? इकट्ठे करना चाहता है 40 लाख रुपये, अकूमुलेट करना चाहता है, सेट अपार्ट करना चाहता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। स्पेसिफिक पर्पस मतलब उसको मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह, या स्कूल हॉस्पिटल वगैरह बनवाने, तो कर सकता है। सेक्शन 11(2) का उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मान लो 40 लाख, 50 लाख की इनकम आई, 50 में से वो 40 लाख क्या करना चाहता है? अकूमुलेट करना चाहता है, तो कर सकता है अकूमुलेट, और उसकी इनकम बच जाएगी 10 लाख। 50 के 50 भी कर सकता है, 40 करना चाहे 40 भी कर सकता है, 35 करना चाहे 35 भी कर सकता है, जितना करना चाहे उतना कर सकता है अकूमुलेट, और बाकी उसकी इनकम बन जाएगी और उसका डिडक्शन मिल जाएगा अकूमुलेट का। लेकिन कैसे मिलेगा? उसके लिए चार कंडीशन दे रखी है। चार कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उस अकूमुलेशन का या उस सेट अपार्ट का क्या मिलेगा आपको? बेनिफिट मिलेगा। कंडीशन क्या दे रखी है? सबसे पहले तो उसको एओ को एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर को एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई। कब तक? अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो कितने सालों के लिए, कितने पीरियड के लिए अकूमुलेट करना चाहता है, और उसका पर्पस क्या है, इकट्ठा करने का पर्पस क्या है? मंदिर बनाना है, मस्जिद बनानी है, स्कूल बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, पर्पस बताना पड़ेगा, और कितने पीरियड के लिए वो इनकम को इकट्ठा करना चाहता है, तो पीरियड बताना पड़ेगा। अब पीरियड कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम 5 ईयर हो सकता है। मैक्सिमम कितने साल के लिए अकूमुलेट कर सकता है वो? 5 ईयर। 4 के लिए कर सकता है, 3 के लिए कर सकता है, 2 के लिए भी कर सकता है, 1 के लिए भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने के लिए कर सकता है? 5 के लिए। 6 के लिए नहीं कर सकता। मैक्सिमम कितने के लिए कर सकता है? 5 ईयर के लिए अकूमुलेट कर सकता है। तो उसको पीरियड बताना पड़ेगा कि कितने साल के लिए अकूमुलेट करना है, और पर्पस बताना पड़ेगा कि उसका पर्पस क्या है। दूसरा पॉइंट, जो भी अमाउंट उसने अकूमुलेट करना चाहता है वो अमाउंट उसको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, खुद के पास नहीं रखनी, उसको डिपॉजिट करके रखनी पड़ेगी। कहाँ पे? सेफ इन्वेस्टमेंट में। 11(5) मोड्स बता रखे हैं, कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट बता रखे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, जहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता, जहाँ पे नॉर्मल रिटर्न मिलती है और सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, वहाँ उसको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपने पास रख लिया या उनसे जुआ खेल रहा है वो, या उनको इक्विटी शेयर्स वगैरह में जो हाई रिस्क वाली चीज़ें होती हैं उनमें इन्वेस्ट करा, ऐसा काम नहीं करना उसको। सेफ इन्वेस्टमेंट में उसको क्या करना पड़ेगा? उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तीसरा, उस अमाउंट को उसको किसी और ट्रस्ट को डोनेट नहीं करना, उस अमाउंट को उसको, उस अकूमुलेट वाली अमाउंट को उसको किसी और ट्रस्ट को डोनेट नहीं करना। और चौथी कंडीशन है,
उसको आरओआई ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। आरओआई लेट फाइल करेगा तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, आरओआई उसको ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। तो चार कंडीशन क्या क्या, अगर उसको अकुमुलेट करना है तो रिमेनिंग पैसे को वो अकुमुलेट कर सकता है, जितना चाहे उतना अकुमुलेट कर सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या, उसको एओ को स्टेटमेंट लिख के देना पड़ेगा अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक। पीरियड बताना पड़ेगा किस पीरियड, कितने पीरियड के लिए अकुमुलेट करना चाहता है, और पर्पस क्या है वो पर्पस बताना पड़ेगा, पीरियड प्लस पर्पस, और पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 ईयर्स। दूसरा, उसको सेफ इन्वेस्टमेंट में उस अमाउंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तीसरा, उस अमाउंट को वो अदर ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकता। और चौथा, उसको आरओआई ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। इन चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको अकुमुलेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मान लो कंडीशन नहीं दे रखी, तो आप मान लोगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और आप बेनिफिट दे दोगे, लेस कर दोगे। और कंडीशन दे रखी है तो देखना कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा है तो बेनिफिट दे देना, नहीं कर रहा तो मत देना। अब एक सेक्शन है 11 सबसेक्शन 3, ये क्या बोलता है, अगर आप उस अकोमोलेशन वाली अमाउंट का जो आपने इकट्ठा करी है उस अकोमोलेशन वाली अमाउंट का मिस यूटिलाइजेशन करते हो या नॉन यूटिलाइजेशन करते हो तो वो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी। डीम्ड इनकम कैसे बनेगी, ये चार केस देखो। तो आपने जो अमाउंट इकट्ठा करी थी, अकोमोलेट करी थी, सेट अपार्ट करी थी, उसको आप मिस यूटिलाइजेशन करते हो। मिस यूटिलाइजेशन मतलब आपने बोली थी, आपने बोला था एओ को कि मैं इस अकोमोलेटेड वाली अमाउंट से मंदिर बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, और आप पता नहीं और कुछ बना रहे हो, आप धर्मशाला बना रहे हो या और कुछ बना रहे हो आप, तो मिस यूटिलाइजेशन करते हो। तो जितना अमाउंट आपने मिस यूटिलाइज करी, जिस ईयर में मिस यूटिलाइज करी, उस ईयर में वो आपकी क्या बन जाएगी, डीम्ड इनकम। तो आपने मान लो 50 लाख रुपए अकुमुलेट करे थे 18-19 में, और 20-21 में उसमें से 5 लाख रुपए आपने कहीं और यूज़ कर लिए, गलत यूज़ कर लिए 5 लाख रुपए, तो 5 लाख आपकी क्या बन जाएगी, डीम्ड इनकम बन जाएगी 20-21 में, जिस ईयर में आपने मिस यूटिलाइज करा। उस ईयर में जितना अमाउंट मिस यूटिलाइज करा, पूरा नहीं, जितना मिस यूटिलाइज करा वो आपकी इनकम बन जाएगा। दूसरा, आपने उस अमाउंट को पूरा यूज़ नहीं कर पाए आप, या तो पूरा यूज़ नहीं कर पाए या कुछ अमाउंट उसका यूज़ नहीं कर पाए। जैसे आपने मान लो 50 लाख रुपए अकुमुलेट करे थे 16-17 में स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो आप स्पेसिफिक पीरियड में, जैसे आपने 5 साल के लिए किया तो 5 साल में, या 4 साल के लिए किया तो 4 साल में, प्लस आपको 1 साल बोनस भी मिलेगा, 1 साल बोनस और मिलेगा, जितना साल के लिए आपने अकुमुलेट किया था वो तो मिलेगा, प्लस 1 साल में, प्लस 1 साल। जैसे मान लो आपने 5 साल के लिए अकुमुलेट किया था तो 5+1 6 ईयर्स तक, 6 सालों तक आप उस पैसे को खर्च नहीं कर पाए। 50 लाख अकुमुलेट किए थे और 6 सालों में आपने ओनली 45 लाख खर्च किए, तो जो बचा हुआ अमाउंट है 5 लाख का, वो क्या बन जाएगा, आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगा। कौन से ईयर में, 6th ईयर में। तो 5 साल के लिए आपने क्या किया था, अकुमुलेट किया था 50 लाख, और 5+1 मतलब 6th ईयर में आप टोटल 45 लाख की खर्च कर पाए, 5 लाख बच गए, तो 5 लाख आपका 6th ईयर में क्या बन जाएगा, डीम्ड इनकम। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको, 20 लाख आपने अकुमुलेट किए थे 3 सालों के लिए, 20 लाख 3 सालों के लिए आपने अकुमुलेट किए थे, और आप उस 20 लाख में से 18 लाख ही खर्च कर पाए, 3+1 मतलब 4 साल में कितना खर्च कर पाए, 18 लाख ही खर्च कर पाए, तो 2 लाख रुपये जो है वो आपका 4th ईयर में क्या बन जाएगा, डीम्ड इनकम बन जाएगा। तो एक ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, एक बोनस ईयर मिलेगा, जितना पीरियड के लिए आपने अकुमुलेट किया था उसमें एक बोनस ईयर मिलेगा। आप चाहो तो उस बोनस ईयर में भी खर्च कर सकते हो, उस बोनस ईयर में भी खर्च नहीं करते तो उस ईयर में वो आपकी क्या बन जाएगा, जितना खर्च नहीं कर पाए वो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगा, जितना खर्च नहीं कर पाए। तीसरा केस है, अगर आप उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर देते हो, उस अकुमुलेटेड वाली अमाउंट में से कुछ अमाउंट दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर देते हो, तो जिस ईयर में आपने डोनेट किया, जिस ईयर में डोनेट किया उस ईयर में आपकी क्या बन जाएगा, डीम्ड इनकम। जैसे मान लो आपने 20 लाख अकुमुलेट किए थे, उसमें से आपने 4 लाख किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर दिए, तो जिस ईयर में आपने ऐसा डोनेट किया उसमें से वो आपकी क्या बन जाएगा, डीम्ड इनकम। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, अगर आप उस पैसे को, अकुमुलेट वाले पैसे को 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट करके नहीं रखते, उसको विड्रॉ करके कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, तो जितना आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया उतना आपकी क्या बन जाएगा, डीम्ड इनकम बन जाएगा। ये चार केस थे, ये आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी 11(3) के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ कुछ स्पेशल प्रोविजन देख रहे हैं अपन ट्रस्ट की सर्टेन इनकम के रिगार्डिंग। सबसे पहले बिजनेस इनकम ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट को मैंने बताया बिजनेस इनकम भी होती है। तो अगर मान लो बिजनेस की इनकम जो है वो कैसी है, कोई ऐसा बिजनेस है जो मेन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए ट्रस्ट कर रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ट्रस्ट कर रहा है कोई बिजनेस, तो उसकी बिजनेस इनकम एग्जेम्पशन के लिए अवेलेबल हो जाएगी। एग्जेम्पशन मतलब 11(1) और 11(2) वाली एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 11(1) और 2 वाली मतलब वही 15% वाली और 85% वाली एग्जेम्पशन मिल जाएगी अगर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो। मतलब उसको अपन क्या कर लेंगे, अदर इनकम में कंसिडर कर लेंगे। अब ये ऐसा बिजनेस कौन सा होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप हॉस्पिटल चला रहे हो, उसमें आपकी एक मेडिकल शॉप भी है, मेडिकल का बिजनेस भी है, तो क्या बन जाएगा, बिजनेस इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव। ऐसे मैंने अक्षय पात्र वाला एग्जांपल दिया था, अक्षय पात्र का मंदिर है, वो बुक्स भी बेचते हैं, तो उनका बुक्स का बिजनेस क्या है, इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव। तो उस बिजनेस इनकम के लिए सेक्शन 11(1) और 11(2) वाला एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उसको अपन एनी अदर इनकम मान लेंगे, 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे और 85% में से जितना जितना अप्लाई कर लिया वो लेस कर देंगे अगर ऐसा बिजनेस है तो। मान लो और कोई बिजनेस है तो, मान लो एक ट्रस्ट का लोन है, देखो ऐसा होता नहीं है वैसे, फिर भी मान लो अगर ऐसा है कि ट्रस्ट का कोई स्पेशल बिजनेस है, अदर अलग बिजनेस है, मेन ऑब्जेक्टिव वाला बिजनेस नहीं है, अलग ही बिजनेस है, ट्रस्ट का लोन है, ट्रस्ट का रेस्टोरेंट है, मान लो ऐसा कुछ है, तो उस केस में क्या होता है, वो सेपरेट माना जाता है, वो सेपरेटली टैक्सेबल हो जाता है बिजनेस साइड में, वो सेपरेट मानी जाती है, वो इनकम अलग मानी जाती है। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस है जो मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर रहे हो आप, तो उसका एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा 11(1) और 11(2) में। अब इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, एक स्पेशल पॉइंट क्या दे रखा है, मान लो उस बिजनेस में
क्या हुआ, उस बिजनेस की आपने इनकम दिखाई और वो स्क्रूटनी में चला गया केस आपका, और एओ ने आपकी इनकम बढ़ा दी। जैसे मान लो आपने इनकम दिखाई थी 40 लाख रुपए और एओ ने आपकी इनकम कर दी 60 लाख रुपए। आपने दिखाई थी 40 लाख, एओ ने इनकम कर दी 60 लाख, मतलब 20 लाख रुपए की एओ ने कंक्लूड इनकम पकड़ ली और 20 लाख से आपकी अंडर रिपोर्टिंग को पकड़ के उसने आपकी इनकम बढ़ा दी। तो जो 20 लाख रुपए की इनकम उसे बढ़ाई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा 11-1 और 2 का, वो इनकम पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो अगर ऐसे बिजनेस के लिए, कौन सा बिजनेस जो मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप कर रहे हो, उस बिजनेस की अगर एओ ने इनकम बढ़ा दी स्क्रूटनी वगैरह में, कंक्लूड इनकम पकड़ ली, अगर आपकी अंडर रिपोर्टिंग वगैरह मिस रिपोर्टिंग वगैरह को उसे पकड़ लिया एओ ने, तो जो बढ़ी हुई इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है, उस पर आपको 11-1 और 11-2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। वो बढ़ी हुई इनकम क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। ये एक स्पेशल पॉइंट है। अब आते हैं पर सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन ट्रस्ट को मिलेंगी क्या, क्योंकि ट्रस्ट को सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन मिलती है तो 10 की मिलेंगी क्या। तो 10(1) और 10(23) तो मिल जाएगी, 10(1) और 10(23C, 10(1) और 10(23C तो मिल जाएगी ट्रस्ट को। अपने देखा भी था 10(1) फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है, 10(23C में भी 0.102 फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो 10(1) और 10(23C की मिल जाएंगी। लेकिन और कोई सेक्शन है 10 का, जैसे सेक्शन 10(2) है शेयर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, या 10(2A है शेयर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, 10(2) है इनकम फ्रॉम एचयूएफ वगैरह, उनकी मिलेंगी क्या, उनकी एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगी 10 वाली, वो 11 वाली एग्जेम्प्शन मिलेगी, 11(1) और 2 वाली 10 वाली नहीं मिलेंगी। तो ऐसे होता नहीं है बाकी 10 की कोई एग्जेम्प्शन, क्योंकि पहले होती थी, पहले 10(34) होता था डिविडेंड वगैरह और 10(35) यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड होता था, लेकिन आजकल वो खत्म हो चुके हैं, वो रिसीवर के हैंड में टैक्सेबल हो जाते, तो खत्म हो चुके। तो 10 में आजकल होती नहीं इतनी एग्जेम्प्शन, फिर भी अगर कोई है तो ट्रस्ट को ओनली 10(1) और 10(23C वाली मिल जाएगी। बाकी कोई सेक्शन है 10 का, उसकी सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उसकी एग्जेम्पशन कहाँ मिलेगी, सेक्शन 11 में। उसको अपन अदर इनकम मानेंगे और अदर इनकम में 15% और 85% करके एग्जेम्पशन का बेनिफिट देंगे, डिडक्शन देंगे अपन, सेक्शन 10 वाली नहीं मिलेगी। अब आते हैं कैपिटल गेन वाली इनकम पे। कैपिटल गेन वाली इनकम में क्या है, मान लो अगर आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, ट्रस्ट का कोई कैपिटल एसेट था, ट्रस्ट ने उसको ट्रांसफर किया और उसका नेट सेल कंसिडरेशन, जो ट्रांसफर किया उसका नेट सेल कंसिडरेशन क्या किया ट्रस्ट ने, किसी दूसरे एसेट को परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिया, किसी दूसरे एसेट को परचेज करने में लगा दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा। देखो कैपिटल गेन तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, ट्रस्ट की इनकम बना देंगे, सबसे पहले कैपिटल गेन को अपन ट्रस्ट की इनकम बना देंगे। और मेनली इस सेक्शन में जो कैपिटल गेन निकलता है वो अपन शॉर्ट टर्म ही निकालते हैं, लॉन्ग टर्म निकालते ही नहीं है, इंडेक्स करते ही नहीं है। फिर भी इंडेक्स करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंडेक्स कर भी सकते हो अगर आपको इंडेक्सेशन वगैरह दे रखे हैं, तो नहीं दे रखे तो शॉर्ट टर्म निकालते हैं हमेशा अपन, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके शॉर्ट टर्म टाइप का कैपिटल गेन निकालते हैं। तो पहले तो ट्रस्ट की इनकम बना देंगे अदर इनकम, 15% लेस कर देंगे। अब अप्लाइड कितना मानेंगे, अप्लाइड कितना मानेंगे, क्योंकि आपने पुराना एसेट बेच के क्या किया, नए में इन्वेस्ट किया है, तो अप्लाइड कितना मानेंगे, जो आपने नया खरीदा है पूरा परचेज कॉस्ट, जैसे मान लो नया खरीदा आपने 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख पूरा अप्लाइड मानेंगे क्या, 20 लाख पूरा अप्लाइड नहीं मानेंगे। अप्लाइड कितना मानेंगे वो देखो नीचे, अप्लाइड कितना मानेंगे ऐसे केस में। अगर आप जितना सेल कंसेशन आपको मिला उस कैपिटल एसेट को बेच के, पूरा का पूरा आपने यूज़ कर लिया, पूरा का पूरा यूज़ कर लिया, तो जितना आपको कैपिटल गेन हुआ था, जितना कैपिटल गेन हुआ था वो अप्लाइड माना जाएगा, जितना कैपिटल गेन हुआ था वो अप्लाइड माना जाएगा। जो आपने नया सेट खरीदा है वो अप्लाइड नहीं माना जाएगा। आपने कोई बहादुरी का काम नहीं किया कि आपने नया सेट खरीदा है, नया सेट आपने क्या किया है, पुराना बेच के नया खरीदा है, पुराना बेच के नया खरीदा है, तो पूरा जो परचेज कॉस्ट है न्यू की वो अप्लाइड नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे केस में अप्लाइड कितना माना जाएगा, अगर आपने नेट सेल कंसिडरेशन पूरा यूज़ कर लिया तो जितना कैपिटल गेन आपका आएगा वो अप्लाइड माना जाएगा। दूसरा केस, अगर आपने नेट सेल कंसिडरेशन पूरा यूज़ नहीं किया, पार्टली यूटिलाइज किया है, तो कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट क्या माना जाएगा आपका, अप्लाइड माना जाएगा। इसमें मैंने नोट लिख दिया, परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विल नॉट ट्रीटेड एज अप्लाइड, जो परचेज कॉस्ट है न्यू एसेट की वो अप्लाइड नहीं मानी जाएगी। जैसे सेक्शन 11 में मानी जाती थी ना, 11(1) में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, तो कैपिटल एक्सपेंस में परचेज कॉस्ट भी मानते थे अप्लाइड, लेकिन यहाँ नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने पुराना बेच के नया खरीदा है, कोई बहादुरी नहीं करी है कि डायरेक्टली नया खरीदा, हाँ डायरेक्टली नया खरीदते, कोई पुराना नहीं बेचते तो वो पूरा अप्लाइड मान लिया जाता है, लेकिन आपने पुराना बेच के नया खरीदा है, इस केस में ऐसा होगा। एक केस हो रहा है इसमें, मान लो आपकी क्या होती है, नए एसेट की परचेज कॉस्ट सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है, मान लो आपने पुराना सेल किया था 10 लाख में और जो नया खरीदा 15 लाख में खरीदा है, नया कितने में खरीदा है 15 लाख में, तो 15 माइनस 10 जो एक्सेस अमाउंट है परचेज प्राइस जो है नए वाले की, वो सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है ओल्ड वाले की, तो 15 माइनस 10 की जो एक्सेस अमाउंट है 5 लाख की, इसको क्या मान लिया जाएगा, इसको अप्लाइड मान लिया जाएगा इन एडिशन टू कैपिटल गेन। अब मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊंगा, देखो नीचे एग्जांपल से बताऊंगा शॉर्टकट तरीका क्या है। ऐसे कॉस्ट ऑफ असेट ट्रांसफर, एक पुराना असेट था 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी उसकी, और उसको आपने 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, 50,000 का क्या हुआ आपको कैपिटल गेन हुआ, इंडेक्स वगैरह भूल जाओ एक बार, 50,000 का क्या हुआ आपको कैपिटल गेन हुआ। अब जो नए असेट परचेज किए, 3 केस है, पहले में आपने परचेज किया 1.5 लाख रुपए का, दूसरे में 1,20,000 का, और तीसरे में 1,60,000 का। देखो आपकी इनकम तो कितनी मान ली जाएगी 50,000, अदर इनकम कैपिटल गेन की कितनी मान ली जाएगी 50,000। अब अमाउंट अप्लाइड कितना मानोगे,
अमाउंट अप्लाइड जो नया असेट परचेज किया है 1.5 लाख का, 1,20,000 और 1,60,000, इसको अप्लाइड मान लोगे, इसको नहीं मानना आपको अप्लाइड, अप्लाइड आपको अलग तरीके से मानना है। कैसे मानना है? केस वन में देखो, केस वन में क्या हुआ, 1.5 लाख का आपने बेचा था पुराना वाला और 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए, पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया आपने, सेल कंसेशन पूरा इन्वेस्ट कर दिया, तो जितना कैपिटल गेन आया आपका, कैपिटल गेन कितना आया आपका 50,000, 50,000 अपन क्या मान लेंगे, अप्लाइड मान लेंगे। दूसरे केस में देखो, 1.5 लाख का आपने पुराना बेचा था, नया कितने में खरीदा, 1,20,000 में, कम अमाउंट यूज़ किया आपने नए में, तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ न्यू, कॉस्ट ऑफ न्यू कितनी, 1,20,000, कॉस्ट ऑफ ओल्ड कितनी, 1 लाख, 1,20,000 माइनस 1 लाख, 1,20,000 माइनस 1 लाख क्या बन जाएगा, अप्लाइड बन जाएगा, मतलब 20,000 रुपये अप्लाइड माने जाएंगे। और केस थ्री में आपने 1,60,000 का खरीदा, मतलब जितना पुराना वाला बेचा था उससे ज़्यादा में खरीद लिया, पुराना वाला 1,50 में बेचा था, नया कितने में खरीद लिया आपने, 1,60 में खरीद लिया, तो एक तो कैपिटल गेन अप्लाइड मान लिया जाएगा 50,000 का, 50,000 का कैपिटल गेन, क्योंकि आपने पूरा सेल कंसीडरेशन यूटिलाइज कर लिया, प्लस जो एक्सेस अमाउंट आपने परचेज करी है, 1,60 माइनस 1,50, 1,60 में आपने परचेज किया, पुराना कितने में बेचा था, 1,50 में, तो एक्सेस अमाउंट जो है आपकी परचेज अमाउंट 10,000 रुपये की, वो भी अप्लाइड मानी जाएगी, तो 50,000 प्लस 10,000 60,000 अप्लाइड माना जाएगा, इस तरह से अप्लाइड माना जाएगा, पूरी जो परचेज कॉस्ट है वो अप्लाइड नहीं मानी जाएगी, इस तरह से अप्लाइड माना जाएगा। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो तीनों केस में देखो, आप क्या करो, जो नया असेट परचेज किया उसकी कॉस्ट ले लो, और जो ओल्ड असेट बेचा आपने उसकी कॉस्ट ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इसी को अप्लाइड मानना है। तो पहले केस में 1.5 लाख का आपने नया खरीदा है, पुराना कितने में बेचा है, पुराना कितने का था, 1 लाख का, पुराना कितने का था, 1 लाख का, और नए की कॉस्ट क्या है, 1.5 लाख, पुराने की कॉस्ट क्या थी, 1 लाख, नए की कॉस्ट है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख माइनस 1 लाख कितना आया, 50,000। दूसरे में 1,20 माइनस 1 कितना आया, 20,000। तीसरे में 1,60 माइनस 1 कितना आया, 60,000। सिंपल तरीका, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड, ये सिंपल तरीका है, इंस्टीट्यूट ने इस तरह से दे रखा है, इसको समझाने के लिए इस तरह से दे रखा है, लेकिन सिंपल तरीका क्या है, इन अदर वर्ड्स अपन बात करें तो सभी केस में आपको क्या करना है, अगर आप पुराने को बेच के नया खरीदते हो तो कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड कर दो, इन दोनों का डिफरेंस क्या माना जाएगा, अप्लाइड, पूरा जो कॉस्ट है न्यू का वो अप्लाइड नहीं माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड क्या माना जाएगा, अप्लाइड माना जाएगा। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दे रखे थे, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड ये अप्लाइड माना जाएगा, अगर आप पुराने को बेच के नया खरीदते हो तो। आप डायरेक्टली नया खरीदते हो, कोई पुराना नहीं बेचते, तो नए सेट की जो परचेज कॉस्ट है वो अप्लाइड मान ली जाती है, लेकिन पुराने को बेच के नया खरीदते हो तो कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड ये अप्लाइड माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड, ये सिंपल तरीका है इसका करने का। अब आते हैं अगली इनकम पे, जो है एनोनिमस डोनेशन। अब एनोनिमस डोनेशन क्या होता है, मैंने बताया गुप्त दान, मतलब जिस पर्सन को डोनेशन मिल रहा है वो रिकॉर्ड नहीं रखता उस डोनेशन का, उसको बोलते हैं अपन एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन अब सबसे पहले बता रखा है किन का टैक्सेबल होता है, किन का नहीं होता, तो देखो तीन तरह के ट्रस्ट होते हैं, पहले मैं आपको बताऊं, एक होता है रिलीजियस ट्रस्ट, होली रिलीजियस ट्रस्ट, एक होता है होली चैरिटेबल ट्रस्ट, और एक होता है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। अब मैं बताऊं आपको एग्जांपल दूं, होली रिलीजियस ट्रस्ट, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल है बनारस में, उनका जो ट्रस्ट है वो होली रिलीजियस ट्रस्ट है, वो क्या है, होली रिलीजियस ट्रस्ट, उनका ओनली मंदिर है और कोई काम नहीं है। दूसरा होली चैरिटेबल ट्रस्ट के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई ट्रस्ट खुलते हैं गरीबों की मदद करने के लिए, या तो, या जिनकी खाली स्कूल है या जिनका खाली हॉस्पिटल है, वो क्या होते हैं, होली चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, वो होते हैं होली चैरिटेबल ट्रस्ट। जैसे इसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, दिशा फाउंडेशन, दिव्या फाउंडेशन सर्च करना आप, ये मेनली क्या है, होली चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके अलावा एक होते हैं चैरिटेबल एंड रिलीजियस, दोनों काम करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, जैसे अक्षय पात्र है उनका मंदिर भी है और दूसरा वो रिलीफ ऑफ पुअर का उनका ऑब्जेक्टिव भी है, वो गरीबों की मदद भी करते हैं, तो क्या हो गया, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट हो गया। तो इस तरह से तीन कैटेगरी में ट्रस्ट होते हैं। तो अब एनोनिमस डोनेशन किसको मिला, होली रिलीजियस ट्रस्ट को मिला। देखो मंदिरों में हमेशा एनोनिमस डोनेशन मिलता है, मंदिरों में पेटियाँ रखी होती है, उसमें आप पैसा डालते हो, मंदिर मस्जिद वगैरह में पैसा डालते हो आप, तो उस पर रिकॉर्ड थोड़ी होता है कि आप पैसा डालते हो तो पता चल जाता है कि किसने पैसा डाला, तो उसमें मेनली क्या होता है, एनोनिमस डोनेशन मिलता है, गुप्तदान ही होता है वो। तो रिलीजियस ट्रस्ट को मेनली क्या मिलता है, एनोनिमस डोनेशन मिलता है, तो होली रिलीजियस ट्रस्ट को अगर एनोनिमस डोनेशन मिला वो टैक्सेबल नहीं होता 115BBC में, वो 115BBC में टैक्सेबल नहीं होता, उसको क्या माना जाता है, पूरा का पूरा नॉर्मल डोनेशन माना जाता है, और नॉर्मल डोनेशन की तरह ही क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, नॉर्मल डोनेशन की तरह ही आपको 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है और 85% में से जितना अप्लाई कर लिया उसका डिडक्शन मिल जाता है, तो नॉर्मल डोनेशन माना जाता है किसको, एनोनिमस डोनेशन को, अगर किसको मिला है, होली रिलीजियस ट्रस्ट को मिला है। तो दूसरा कोई ऐसा ट्रस्ट है जो चैरिटेबल भी है और रिलीजियस भी है, चैरिटेबल भी और रिलीजियस भी है, तो ऐसे केस में अगर जो एनोनिमस डोनेशन है वो किसके लिए मिला है, मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए मिला है, किसके लिए, ओनली मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब स्कूल या हॉस्पिटल के लिए मिला है, स्कूल या हॉस्पिटल के लिए मिला है, तो 115BBC में क्या होगा, टैक्सेबल, जो भी पढ़ेंगे कैसे टैक्सेबल होगा, कहाँ टैक्सेबल होगा, 115BBC, लेकिन अदर केस के लिए मिला है, अदर केस के लिए मिला है, मंदिर वगैरह के लिए मिला है, तो टैक्सेबल नहीं होगा 115BBC में, पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, नॉर्मल डोनेशन, पूरा का पूरा नॉर्मल डोनेशन माना जाएगा। मंदिर क्या बोलते हैं, स्कूल या हॉस्पिटल के लिए मिला है, स्कूल या हॉस्पिटल के लिए मिला है 115BBC में टैक्सेबल होगा, लेकिन अदर केस के लिए मिला है तो पूरा नॉर्मल डोनेशन माना जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा, अगर चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट दोनों है तो। और तीसरा केस
होली चैरिटेबल ट्रस्ट है, होली चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, 115 बीबीसी में टैक्सेबल हो जाएगा, 115 बीबीसी में टैक्सेबल हो जाएगा। अब टैक्सेबल कैसे होगा एनोनिमस डोनेशन 115 बीबीसी में, वो देखो सबसे पहले तो ले लो आप एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन रिसीव, जितना एनोनिमस डोनेशन आपको रिसीव हुआ वो ले लो। जैसे मान लो आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन रिसीव हुआ 5 लाख का, 5 लाख आपने ले लिया, अब आपको इसमें से एक अमाउंट लेस करनी है, एक लिमिट लेस करनी है। लिमिट क्या है, 5% ऑफ टोटल डोनेशन और रुपीज़ 1 लाख विच एवरेज हायर, 5% ऑफ टोटल डोनेशन और रुपीज़ 1 लाख विच एवरेज हायर। अब आप बोलोगे टोटल डोनेशन में क्या लेना है, टोटल डोनेशन में आपको सारे डोनेशन लेने हैं, नॉर्मल वाला भी, कॉर्पस वाला भी और एनोनिमस वाला भी, नॉर्मल वाला भी, कॉर्पस वाला भी और एनोनिमस वाला भी, ये तीनों डोनेशन आपको टोटल डोनेशन लेने हैं, नॉर्मल, कॉर्पस, एनोनिमस। मान लो टोटल डोनेशन आपका था 40 लाख का, कितना है 40 लाख का, 40 लाख का आपको क्या करना है 5% करो, 5% कितना आया 2 लाख, 2 लाख को कंपेयर करना आपको 1 लाख से, और इन दोनों में से जो भी हायर है वो हायर अमाउंट आपको लेनी है, तो हायर अमाउंट आ गई इनकी 2 लाख, 2 लाख को आपको लेस करना है, बचा कितना 3 लाख। ये 3 लाख क्या माना जाएगा एनोनिमस डोनेशन, जो 115 बीबीसी में 30% की रेट से टैक्सेबल होगा। 3 लाख क्या माना जाएगा एनोनिमस डोनेशन, जो 115 बीबीसी में 30% की रेट से टैक्सेबल होगा। अब आप बोलोगे मिला तो अपन को 5 लाख है, तो डिफरेंस अमाउंट का क्या करेंगे, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 2 लाख की जो आई है, 2 लाख रुपए की जो डिफरेंस अमाउंट आई है, इसको क्या माना जाएगा नॉर्मल डोनेशन, इसको सेम नॉर्मल डोनेशन माना जाएगा, और इसमें सेम वही 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, और 85% में से जितना अप्लाई कर लोगे उतना डिडक्शन मिल जाएगा, इसको सेम अदर इनकम में मान लिया जाएगा। तो 5 लाख आपको एनोनिमस डोनेशन मिला, ये पूरा टैक्सेबल नहीं होता 115 बीबीसी में, इसमें से अपन नॉर्मल वाला हटाते हैं, नॉर्मल वाला कैसे हटाते हैं, उसके लिए लिमिट दे रखी है 5% ऑफ टोटल डोनेशन और रुपीज़ 1 लाख विच एवरी जाए, इन दोनों में से जो भी हायर वाली लिमिट है वो इसमें से लेस करते हैं, जो बाकी बचता है वो होता है एनोनिमस डोनेशन, जो 30% की रेट से टैक्सेबल होता है, पूरा टैक्सेबल नहीं होता। और जो ये 2 लाख रुपये का फिगर आया, ये लिमिट आई, इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है नॉर्मल डोनेशन, इसको माना जाता है नॉर्मल डोनेशन। अब आ जाओ नीचे कुछ थियरी वाले सेक्शन है इसके, सबसे पहले दे रखा है सेक्शन 11 की अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है 12A में बता रखी है, वो कंडीशन पूरी होंगी तो ही आपको सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलेगा। पहला कंडीशन क्या है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए 12A में, ट्रस्ट क्या होना चाहिए 12A में रजिस्टर्ड होना चाहिए, 12A का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ट्रस्ट के पास। अगर ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को बेनिफिट नहीं मिलता, रजिस्टर्ड ट्रस्ट को बेनिफिट मिलता, रजिस्टर्ड का होना चाहिए सेक्शन 12A में। दूसरी पॉइंट क्या दे रखा है, अगर ट्रस्ट की जो टोटल इनकम है बिना एग्जम्पशन के, मतलब सेक्शन 11 का एग्जम्पशन देने से पहले जो इनकम आ रही है ट्रस्ट की, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ट्रस्ट में लगती है 2.5 लाख वाली, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ट्रस्ट को ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी, मतलब ट्रस्ट को अपनी ऑडिट करवानी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए 12A में। दूसरा, अगर ट्रस्ट की टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, बिफोर एग्जम्पशन अगर ट्रस्ट की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो ट्रस्ट को ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी, तो ही ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलेगा। अब नोट इसमें है, एग्जम्पशन कब से मिलेगा, तो एग्जम्पशन उस प्रीवियस ईयर से मिलेगा जिस प्रीवियस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, जिस प्रीवियस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था उस ईयर से मिल जाएगा। जैसे मान लो आपने अप्लाई किया था 2021 में रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपको रजिस्ट्रेशन मिला 21-22 में, रजिस्ट्रेशन कब मिला आपको 21-22 में, ग्रांट कब हुआ रजिस्ट्रेशन 21-22 में, तो आपको एग्जम्पशन कब से मिलेगा 2021 से मिलने लग जाएगा। जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया था उस ईयर से आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया था उस ईयर से आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट अर्लियर ईयर्स के लिए भी मिल जाएगा, आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट अर्लियर ईयर्स के लिए भी मिल जाएगा, दो कंडीशन उसके लिए। पहली कंडीशन, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन अर्लियर ईयर्स की असेसमेंट एओ के पास पेंडिंग होनी चाहिए, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन अर्लियर ईयर्स की असेसमेंट एओ के पास क्या होनी चाहिए, पेंडिंग होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन, जिसके बेस पे, जिस ऑब्जेक्टिव के बेस पे आपने आज रजिस्ट्रेशन लिया है, जैसे मान लो आज आपका ऑब्जेक्टिव था रिलीफ ऑफ पुअर के बेस पे आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो आपका अर्लियर ईयर्स में भी यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था। अर्लियर ईयर्स में ऐसा नहीं कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव तो नहीं मिलेगा, अर्लियर ईयर्स में भी क्या होना चाहिए था, रिलीफ ऑफ पुअर वाला ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए था, तो मिल जाए। तो एग्जम्पशन कब से मिलेगा, जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया उस ईयर से मिल जाएगा। दूसरा केस, आपको अर्लियर ईयर्स के लिए भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, दो कंडीशन है, एक तो असेसमेंट एओ के पास पेंडिंग होना चाहिए था, दूसरी कंडीशन उन अर्लियर ईयर्स में सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था जिसके बेस पे आज आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, जिसके बेस पे आज आपने रजिस्ट्रेशन लिया वही ऑब्जेक्टिव आपका अर्लियर ईयर्स में होना चाहिए था। अब 12A बोलते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा, आप किसी भी टाइम पे, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट बनने के बाद या ट्रस्ट बनने के एक साल में, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी टाइम पे जब आपका मन करे, ट्रस्ट बनाने के बाद किसी भी टाइम पे जब भी आपका मन करे, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 2 दिन बाद, आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, किसको, CIT को, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा ट्रस्ट बनाने के बाद। ट्रस्ट बनाने से पहले नहीं होती एप्लीकेशन, पहले आपको ट्रस्ट बनाओ, फिर आपका जब मन करे, तब आप एप्लीकेशन कर दो रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी टाइम।
और उसके बाद क्या होगा, आपने एप्लीकेशन कर दिया, जिस महीने में सीआईटी को एप्लीकेशन मिलेगी, सीआईटी कमिश्नर को जिस महीने में एप्लीकेशन मिलेगी, उस महीने के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर, उस महीने के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर सीआईटी को ऑर्डर पास करना पड़ेगा, या तो ट्रस्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा या रिफ्यूज टू रजिस्टर करना पड़ेगा, या तो ट्रस्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा या रिफ्यूज टू रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कब करेगा, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो अगर सीआईटी सेटिस्फाई हो जाता है ट्रस्ट की जेन्युइननेस से, अगर ट्रस्ट सीआईटी को लगता है कि ट्रस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं या ट्रस्ट की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो जेन्युइन है, तो रजिस्टर करते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ट्रस्ट अदर लॉस का कंप्लाई करता है, अदर लॉस जो भी ट्रस्ट के ऊपर लगते हैं, ट्रस्ट एक्ट या और कोई भी एक्ट लगता है ट्रस्ट के ऊपर, उनको कंप्लाई करता है तो रजिस्टर कर देगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो क्या कर देगा, रिफ्यूज टू रजिस्टर कर देगा। तो दो कंडीशन दे रखी है रजिस्टर की, अगर सी आई टी सेटिस्फाई हो जाता है कि ट्रस्ट जेन्यून है, और दूसरा ट्रस्ट अगर अदर लॉस को कंप्लाई करता है रजिस्टर कर देगा, अगर ऐसा नहीं होता तो वो रिफ्यूज टू रजिस्टर कर देगा। अब मान लो सी आई टी 6 महीने में ऑर्डर पास नहीं करता, अगर सी आई टी 6 महीने में ऑर्डर पास नहीं करता तो ट्रस्ट को डीम्ड टू बी रजिस्टर मान लिया जाएगा। अगर सी आई टी क्या करता है 6 महीने में ऑर्डर पास नहीं करता तो ट्रस्ट को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी रजिस्टर मान लिया जाएगा। इसके बाद दे रखा है रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद सीआईटी चाहे तो ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है 3 केस में। सीआईटी चाहे तो क्या कर सकता है, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है 3 केस में। पहला, सीआईटी को लगता है ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ जेन्युइन नहीं है, ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ फेक हैं, ट्रस्ट तो अपने लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ जेन्युइन नहीं है, वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। दूसरा, अगर सीआईटी को लगता है कि जो एक्टिविटी कर रहा है ट्रस्ट वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव था गरीबों की मदद करने का और ट्रस्ट क्या कर रहा है, कंबल बांट रहा है अपने रिलेटिव्स को, गरीबों को नहीं बांट रहा अपने रिलेटिव्स को बांट रहा है, तो अगर सीआईटी को लगता है कि ट्रस्ट की जो ऑब्जेक्टिव है जेन्युइन नहीं है, या ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव जो ट्रस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एज पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सीआईटी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तीसरा, अगर ट्रस्ट दूसरे लॉस का कंप्लाई नहीं करता, अगर ट्रस्ट दूसरे लॉस को कंप्लाई नहीं करता तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है सीआईटी द्वारा। अब इसमें एक पॉइंट था, अगर मान लो रजिस्टर्ड ट्रस्ट क्या करता है, एक ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड हो चुका, अब वो अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, जैसे उसका ऑब्जेक्ट था गरीबों की मदद करने का, रिलीफ ऑफ पुअर का, अब वो उसको चेंज करके एजुकेशन करना चाहता है या चेंज करके योगा करना चाहता है, तो कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पुराना रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं रहेगा उसका, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन की डेट से 30 डेज में उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करता है तो उस ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर, नहीं करता तो क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा जब अपन एग्जिट टैक्स पढ़ेंगे। अब आते हैं अपन आगे सेक्शन 13, बिल्कुल फालतू सेक्शन है। कुछ केस में आपको सेक्शन 11 की एग्जिमिशन नहीं मिलेगी और एक तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, कुछ केस में आपको सेक्शन 11 वाली जो एग्जिमिशन है वो नहीं मिलेगी। 4 केस दे रखे हैं, सबसे पहला दे रखा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस। मान लो कोई ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है, प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए। जैसे मान लो कोई ट्रस्ट का मंदिर है एक, जिसमें ओनली कुछ लोग, कुछ सेलेक्टिव लोग दर्शन कर सकते हैं, या ट्रस्ट की एक मस्जिद है जिसमें कुछ सेलेक्टिव लोग नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ सेलेक्टिव लोग ट्रस्ट के वगैरह के लोग वही कर सकते हैं, तो उस ट्रस्ट को उस मंदिर या उस मस्जिद से जो इनकम हो रही है उस इनकम पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 11 का। कोई मंदिर या मस्जिद है प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए, मतलब कुछ सेलेक्टिव लोग उस मंदिर में जा सकते हैं या कुछ सेलेक्टिव लोग उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ केस है, तो उस प्रॉपर्टी से ट्रस्ट को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा सेक्शन 11 का। दूसरा, कोई ट्रस्ट इस्टेब्लिश हुआ किसके लिए, पार्टिकुलर रिलीजियस कास्ट या कम्युनिटी के लिए, बनियों के लिए, ब्राह्मण के लिए, या हिंदुओं के लिए, या मुस्लिम के लिए, ऐसा कोई ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो रखा है तो उस ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा केस में दे रखा है अगर ट्रस्ट क्या करता है अपनी कोई भी इनकम स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए अप्लाई कर लेता है, स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए यूज़ कर लेता है। अब आप बोलोगे स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रस्ट के रिलेटिव। तो ट्रस्ट क्या करता है अपनी थोड़ी भी इनकम या कोई भी इनकम स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट्स के लिए यूज़ करता है या अप्लाई कर लेता है तो ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कैसे यूज़ कर लेता है। एक ट्रस्ट है जो क्या करता है गरीबों में कंबल बांटता है, वो क्या कर देता है गरीबों में कंबल बांटने के बजाय अपने रिलेटिव्स को कंबल बांट देता है, अपने रिलेटिव को कंबल बांट देता है, इसको बोल दिया अपन ने इनकम अप्लाइड फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। दूसरा एग्जांपल लो, एक ट्रस्ट की धर्मशाला है या बिल्डिंग है मान लो, जो वो किराए पे देता है, बाकी लोगों को किराए पे देता है 10,000 रुपीज़ में, और अपने जो रिलेटिव्स हैं उसके उनको फ्री में देता है, तो इसको क्या माना जाएगा इनकम अप्लाइड फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। अगर ऐसा करता है तो उसको सेक्शन 11 की बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा और बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। और तीसरा केस इसमें एक और एग्जांपल ले लो, एक ट्रस्ट है जो बाकी लोगों को लोन देता है 12% पर एनम की रेट से, और अपने घर वालों को फ्री में लोन देता है, अपने रिलेटिव को फ्री में लोन देता है, तो ये क्या माना जाएगा इनकम अप्लाइड फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। ऐसे केस में ट्रस्ट को बेनिफिट नहीं मिलेगा 11 का और उसकी पूरी इनकम पे टैक्स लग जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 11 का। और चौथा केस है अगर ट्रस्ट अपने फंड्स 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट करके नहीं रखता, कहीं और इन्वेस्ट करके रखता है, 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट नहीं करता, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करता, तो उसको सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 4 केस थे। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन माने जाएंगे, मतलब ट्रस्ट के रिलेटिव कौन कौन माने जाएंगे, तो ऑथर और फाउंडर ऑफ ट्रस्ट, ऑथर और फाउंडर ऑफ ट्रस्ट। दूसरा, कोई पर्सन है जो 50,000 से ज़्यादा का डोनेशन देता है, जो पर्सन 50,000 से ज़्यादा का डोनेशन देता है ऐसे डोनर को भी ट्रस्ट का रिलेटिव माना जाएगा। तीसरा, ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ ट्रस्ट। और चौथा,
रिलेटिव ऑफ फाउंडर डोनर ट्रस्टी मैनेजर, जो ऊपर के पर्सन देखे ना अपने फाउंडर डोनर ट्रस्टी मैनेजर, इनका कोई रिलेटिव है, इनका कोई रिलेटिव वो भी ट्रस्ट का रिलेटिव बन जाएगा। अब इनका रिलेटिव कौन, इनका रिलेटिव लेंगे अपन 56-2-10 वाला, 56-2-10 था ना अपना उसका अदर सोर्स में, उसमें पूरा खानदान रिलेटिव बन जाता था, स्पाउस ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स वगैरह सब आ जाते थे। तो फाउंडर डोनर ट्रस्टी मैनेजर का कोई रिलेटिव है वो भी ट्रस्ट का रिलेटिव माना जाएगा, और रिलेटिव भी कौन से 56-2-10 वाले, पूरा खानदान एक तरीके से। और लास्ट पॉइंट है अबव पर्सन का, अबव में से कोई भी पर्सन का किसी कंसर्न में, किसी कंसर्न मतलब कंपनी वगैरह में फर्म वगैरह में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो कंसर्न भी क्या बन जाएगी ट्रस्ट की रिलेटिव। तो रिलेटिव की डेफिनेशन काफ़ी बड़ी है यहाँ पे, फाउंडर ऑफ ट्रस्ट ऐसा पर्सन जो 50,000 से ज़्यादा का डोनेशन देता है, ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ ट्रस्ट, या कोई फाउंडर डोनर ट्रस्टी मैनेजर का कोई रिलेटिव, रिलेटिव भी कौन सा 56-2-10 वाला, और कोई भी कंसर्न जिनमें अबव पर्सन का क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ये सब लोग क्या बन जाएंगे ट्रस्ट के रिलेटिव बन जाएंगे। और इनको अगर ट्रस्ट फायदा पहुँचाता है तो उस ट्रस्ट को एक तरीके से समझ लेना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और उसको सेक्शन 11 का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक नोट है, एक नोट है सेक्शन 13(6) का, 13(6) का नोट है, ये ओनली लगता है एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन पे। किस में लगता है नोट, एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल मतलब स्कूल पे और मेडिकल इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्पिटल पे, स्कूल और हॉस्पिटल है किसी ट्रस्ट का तो उसके ऊपर ये नोट लगता है 13(6) वाला कि एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 कैन नॉट बी डिनाइड, मतलब एग्जेम्पशन जो 11 वाली है, एग्जेम्पशन जो 11 वाली है सेक्शन 11 वाली वो डिनाइड नहीं होगी, मतलब वो मिल जाएगी। कंडीशन क्या है उसमें, अगर ट्रस्ट क्या करता है इनकम को अप्लाई करता है स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए, कैसे अप्लाई करता है, वो अपने रिलेटिव्स को फ्री एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी देता है। जैसे मान लो एक ट्रस्ट है जिसकी स्कूल है या हॉस्पिटल है, वो बाकी लोगों से तो स्कूल के लिए 5,000 रुपये चार्ज करता है और हॉस्पिटल के लिए भी 5,000 चार्ज करता है, और अपने रिलेटिव को जब स्कूल फैसिलिटी देता है या मेडिकल फैसिलिटी देता है तो फ्री में देता है। तो बात तो क्या हो गई, इनकम अप्लाइड फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, ये वाला केस हो गया, ये वाला केस था ना अपना, ये वाला, तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये पॉइंट क्या बोलता है, एग्जेम्पशन मिल जाएगी उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या होगा उस केस में, जितनी फैसिलिटी उसने दी अपने रिलेटिव को, ट्रस्ट ने अपने रिलेटिव को जितनी फैसिलिटी दी, जितनी वैल्यू की फैसिलिटी दी, एजुकेशनल फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी, उतनी ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी और उस अमाउंट पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उतनी ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी और उस पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बस इतना था, ट्रस्ट के ऊपर केस होगा बाकी कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बाकी उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कैंसिल नहीं होगा। तो ये पॉइंट क्या होता है 13(6), ये काम का पॉइंट है कि अगर कोई ट्रस्ट स्कूल या हॉस्पिटल चलाता है तो उसको एग्जेम्पशन 11 का डिनाई नहीं होगा, अगर वो क्या करता है इनकम अप्लाई करता है स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए। कैसे अप्लाई करता है, वो अपने घर वालों को फ्री शिक्षा देता है या फ्री मेडिकल फैसिलिटी देता है, तो ऐसे केस में उसको सेक्शन 11 का बेनिफिट डिनाई नहीं होगा। पैसे तो डिनाई हो जाता है लेकिन यहाँ डिनाई नहीं होगा। लेकिन क्या होगा उस केस में, जितनी वैल्यू की फैसिलिटी दी उस ट्रस्ट ने, एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी, उतनी उस ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी और उस पर सेक्शन 11 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, ये बोलता है सेक्शन 13(6), ये डीम्ड इनकम बन जाएगी। तो ऐसे केस में पूरा एग्जेम्पशन डिनाई नहीं होगा, बाकी तो मिल जाएगा, बस इतना अमाउंट का एग्जेम्पशन क्या होगा डिनाई होगा और वो इनकम बन जाएगा, बस इतनी अमाउंट का जितनी की फैसिलिटी दी। बाकी केस में क्या होगा, मान लो अगर वो ट्रस्ट क्या करता है, ट्रस्ट के रिलेटिव को घुमाता है, ट्रस्ट को रिलेटिव को फॉरन टूर वगैरह करवाता है, तो बताओ, तो बिल्कुल एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी और साथ में रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कैंसिल हो सकता है, ये बात। लेकिन अगर मेडिकल या एजुकेशनल फैसिलिटी दी तो जितनी वैल्यू की दी उतनी इनकम बनेगी, जितनी वैल्यू की दी उतनी इनकम बनेगी और दूसरा उस अमाउंट पे एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी। ये था ट्रस्ट का पूरा पार्ट। अब क्वेश्चन आता है ट्रस्ट की टोटल इनकम निकालने वाला, इस बार भी एग्जाम में ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों में यही क्वेश्चन आया था, ट्रस्ट की आपको इनकम निकालनी थी। अब ट्रस्ट की टोटल इनकम कैसे निकालोगे, उसका एक फॉर्मेट है, देखो फॉर्मेट फिक्स फॉर्मेट में आपको तो इसमें वैल्यू डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप ले लो कॉर्पस डोनेशन, कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट, इनकम अंडर सेक्शन 10(1) मतलब एग्रीकल्चर इनकम, और 0.1 and 2 ऑफ 10(23C, 0.1 and 2 याद है ना आपको, 0.1 कौन सा था गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला, और 0.2 कौन सा था ऐसे प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल जिनकी ग्रोस रिसीट कितनी है अप टू 1 crore तक है। तो ये वाली आपको जो भी इनकम दे रखी है इसको नील कर दो, इस टेबल में कितनी दिखा दो नील, क्योंकि फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। देखा था ना अपन ने कॉर्पस डोनेशन, कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट 10(1) और 0.1 and 2 ऑफ 10(23C क्या होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट, तो इनको नील दिखा दो। दूसरा, इनके अलावा मान लो कोई स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज वगैरह हैं और जिनकी ग्रोस एसेट 1 crore से ज़्यादा है, 1 crore से ज़्यादा है, तो वो क्या होती है फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं होती, उनमें आपको एग्जेम्प्शन मिलती है 11(1) और 2 वाली, तो उनकी आपको यहाँ क्या दिखानी है ग्रोस एसेट। अब देखो क्या होता था, पहले यहाँ पे अपन नेट इनकम दिखाते थे उनकी, मतलब ग्रोस एसेट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंस ऐसा दिखाते थे, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद आपको यहाँ हमेशा क्या दिखानी है उनकी ग्रोस एसेट, क्या दिखानी है ग्रोस एसेट, कौन सी वाली स्कूल कौन सा हॉस्पिटल जिनकी ग्रोस एसेट 1 crore से ज्यादा है, उनकी यहाँ दिखानी है आपको ग्रोस एसेट दिखानी है, नेट इनकम नहीं दिखानी है आपको ग्रोस एसेट। आपको जो उसके रेवेन्यू खर्चे हैं वो अपन 15% लेस करने के बाद में लेस करेंगे, अप्लाइड में लेस करेंगे, पहले ऐसा होता था अपन यही लेस कर देते थे, लेकिन हम बाद में लेस करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हुआ, तो उनकी ग्रोस एसेट आपको दिखानी है। दूसरा, कोई ट्रस्ट को कैपिटल गेन हुआ है या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हुई है, अदर सोर्स की इनकम हुई है, वो दिखा दो। तीसरा, बिजनेस से इनकम हुई है, जो कैसा बिजनेस है, मेन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए बिजनेस है, उसकी इनकम यहाँ दिखा दो। गवर्नमेंट ग्रांट
ट्रस्ट को मिला है नॉर्मल वाला वो दिखा दो, नॉर्मल डोनेशन यहाँ दिखा दो, नॉर्मल डोनेशन जितना भी है, जितना भी नॉर्मल डोनेशन वो दिखा दो, ये सारा दिखा दिया आपने, इन सब को ऐड कर दो, ये ट्रस्ट की अदर इनकम होगी। अब इस अदर इनकम में से ट्रस्ट को क्या मिलेगा, 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 15% आप लेस कर दो, ये बच जाएगा रिमेनिंग 85%। 15% लेस करने के बाद क्या बचेगा, रिमेनिंग 85% बच जाएगा। अब 85% में आपको क्या क्या डिडक्शन मिलेगी, सबसे पहले जितना अमाउंट आपने इंडिया में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, वो आपने पढ़ी लिया क्या क्या यूज़ होता है, वो लेस कर दो, उसमें कंडीशन वगैरह भी दे रखी है उस अकॉर्डिंग आप लेस कर दो। दूसरा डीम्ड अप्लाइड, डीम्ड अप्लाइड के केस अपने देखे थे, एक तो आपको इनकम रिसीव नहीं होती प्रीवियस ईयर में या लास्ट डेज में रिसीव होती है इनकम, वो आप लेस कर दो, डीम्ड अप्लाई लेस कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इनकम रिसीव नहीं होती प्रीवियस ईयर में और अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो तो ये पॉइंट काम का नहीं है, इस पॉइंट को इग्नोर कर देना, ये लेस कर दिया। इसके अलावा आपने 11(2) में जो भी इनकम अकुमुलेट करी है या सेट अपार्ट करी है, अकुमुलेट करते हैं ना मन सेट अपार्ट स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो जितनी भी अकुमुलेट करी है सेट अपार्ट करी है वो लेस कर दो। चौथा क्या लेस करना है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम इन अर्ली ईयर्स। अर्ली ईयर्स में क्या था, आपके खर्चे ज़्यादा हो गए इनकम कम थी, मतलब आपने अप्लाइड ज़्यादा कर लिया इनकम कम थी। जैसे मान लो अर्ली ईयर्स में आपकी इनकम आ रही थी 50 लाख और आपने अप्लाइड कर दिया 60 लाख, तो नेगेटिव 10 लाख आ गया, एक तरीके से लॉस हो गया, अर्ली ईयर्स का लॉस हो गया एक तरीके से। तो इसको लॉस नहीं बोलते ट्रस्ट के केस में, क्या बोलते हैं, पर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इन अर्ली ईयर्स ये बोलते हैं। तो ऐसा कुछ केस है तो वो अमाउंट भी लेस कर दो। अर्ली ईयर्स में क्या हो गया था, खर्चे ज़्यादा हो गए थे और इनकम कम थी, मतलब अप्लाइड ज़्यादा कर लिया था इनकम कम थी, तो जितना एक्सेस था वो यहाँ लेस कर दो, करंट ईयर में लेस कर दो, ये तो लेस करने के काम हो गए। अब इसमें आपको एक चीज़ ऐड करनी है, डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 11(3) एंड 13(6). डीम्ड इनकम आपने पढ़ी थी 11(3) में, याद करो, अगर आप अकुमुलेट वाले पैसे का गलत यूज़ करते हो या वो पैसा अनयूटिलाइज रह जाता है, या उस पैसे को आप किसी और को डोनेट कर देते हो किसी दूसरे ट्रस्ट को, या उस पैसे को आप विड्रॉ करके 11(5) से विड्रॉ करके कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपकी जो डीम्ड इनकम बन गई वो ऐड कर दो करंट ईयर में, वो डीम्ड इनकम ऐड कर दो। इसके अलावा 13(6) वाला पढ़ा था अपन ने कि कोई हॉस्पिटल है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो अपने रिलेटिव को क्या देता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी या एजुकेशन फैसिलिटी देता है, तो उसको अमाउंट अप्लाइड मान लिया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट का पूरा एग्जम्पशन डिनाई नहीं होगा, बस उस पार्ट को उसकी ट्रस्ट की इनकम मान लिया जाएगा, तो वो जितना उसने बेनिफिट दिया उसको इनकम बना दो। 11(3) वाला एक 13(6) वाला वो इनकम बन जाएगा, अपन ने क्वेश्चन भी किए थे, क्वेश्चन में आपको याद आया होगा। तो इस तरह से आप इनकम बना दो, ऐड कर दो, ये आ जाएगी ट्रस्ट की टोटल इनकम नॉर्मल रेट वाली, क्या आ जाएगी टोटल इनकम आ जाएगी नॉर्मल रेट वाली, और इस पे क्या लगेगा, स्लैब लगेगा। ट्रस्ट के कैसे क्या लगता है स्लैब, ट्रस्ट एक तरीके से क्या होता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन होता है, 2.5 लाख वाला लगेगा स्लैब इस वाली इनकम पे। अब इसमें आप ऐड कर दो एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBC। 115 BBC में जो एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल होता है, नॉर्मल वाला लेस करते हैं ना अपन, उसमें टोटल एनोनिमस डोनेशन रिसीव माइनस लिमिट जो नॉर्मल वाला लिमिट लेस करते हैं, उसके बाद आता है एनोनिमस डोनेशन। तो जो 115 BBC में एनोनिमस डोनेशन जो टैक्सेबल होता है 115 BBC में, वो इसमें ऐड कर दो, इस पे लग जाएगा 30% की रेट से टैक्स, और ये दोनों मिलकर आ जाएगी ट्रस्ट की टोटल इनकम, ये मिलकर आ जाएगी ट्रस्ट की क्या आएगी टोटल इनकम। जो टोटल इनकम नॉर्मल रेट वाली, इस पे स्लैब लगा दो, एनोनिमस डोनेशन पे 30% लगा दो, टोटल टैक्स आ जाएगा, फिर देखो सरचार्ज लग रहा है क्या, सरचार्ज लगेगा तो सरचार्ज भी लगा दो, फिर सेस लगा दो, ये आ जाएगा ट्रस्ट की टैक्स आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था दोनों में 10 मार्क्स का, और इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल आपका सॉल्व हो जाएगा। बस ये फॉर्मेट अच्छे से देख लेना, आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी, ये फॉर्मेट अच्छे से कर लिया। तो अब आते हैं अपन एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 115TD। इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों है, क्योंकि ट्रस्ट में दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो टोटल इनकम निकालने वाला या ये एग्जिट टैक्स वाला, कभी ये आता है कभी वो आता है, फिक्स है ट्रस्ट में 8 से 10 नंबर के, या तो एग्जिट टैक्स वाला या टोटल इनकम निकालने वाला क्वेश्चन आता है। अब ये एग्जिट टैक्स क्या है इसको समझते हैं। देखो ये एग्जिट टैक्स होता क्या है, मान लो एक ट्रस्ट था जो रजिस्टर्ड था 10 साल से रजिस्टर्ड था, और 2021 में जाके उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसे कुछ फर्जीवाड़ा वगैरह कर दिया, रजिस्ट्रेशन CIT ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, आज से लेकर के आगे अब उसको एग्जिमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन उस ट्रस्ट को पुराने सालों की तो एग्जिमिशन मिल चुकी, पुराने 10 साल की तो उसने एग्जिमिशन ले ली, मजे ले लिए पुराने 10 साल में, तो उसने सेक्शन 11 के मजे ले लिए उसने। अब इनकम टैक्स वालों ने क्या किया, एक नया सेक्शन बनाया कि जो ट्रस्ट ने मजे लिए हैं उनको विड्रॉ कैसे किया जाए, जो ट्रस्ट ने 10 साल में मजे लिए हैं उनको विड्रॉ कैसे किया जाए, उसके लिए एक सेक्शन बनाया 115TD। तो इसमें बोला कि ट्रस्ट ने जितने भी मजे लिए हैं 10 साल में एग्जिमिशन के, जितने भी मजे लिए हैं, जितने भी बेनिफिट लिए हैं, उनको हम विड्रॉ करेंगे, उस पर हम टैक्स लगा देंगे। कैसे लगाएंगे टैक्स भी, MMR की रेट से टैक्स लगा देंगे, हम ट्रस्ट की नेट असेट वैल्यू लेंगे, जिस दिन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उस दिन की हम ट्रस्ट की नेट असेट वैल्यू उठाएंगे और उस पर हम MMR की रेट से टैक्स लगाएंगे, ताकि ट्रस्ट ने जो भी मजे लिए हैं वो सारे के सारे विड्रॉ हो जाएं, ट्रस्ट ने जो भी बेनिफिट लिए हैं वो सारे के सारे विड्रॉ हो सकें। तो ये एक नया प्रोविजन आया 115TD, तो एक थोड़ा खतरनाक प्रोविजन, हार्श प्रोविजन है। अगर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल हो जाता है, कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट था, तो आगे तो एग्जिमिशन मिलेगी नहीं, लेकिन पहले उसने जो मजे लिए थे, पहले जो उसने बेनिफिट लिए थे सेक्शन 11 के, उनको विड्रॉ कैसे किया जाए, उसके लिए सेक्शन 115TD आया। तो ऐसे क्या बोलता है ये, ट्रस्ट की जो भी अक्रेडिटेड इनकम होगी, अक्रेडिटेड इनकम मतलब जो ट्रस्ट की नेट असेट वैल्यू होगी, उस पर MMR की रेट से टैक्स लग जाएगा। उस पर क्या लग जाएगा, MMR की रेट से टैक्स लग जाएगा, जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है 12A में, उसके जो भी अक्रेडिटेड इनकम है उस पर MMR की रेट से टैक्स लग जाएगा।
अब एमएमआर यहाँ क्या लगेगी, देखो यहाँ एक स्पेशल सेक्शन है जिसमें एमएमआर कितनी लगेगी, 34.944%, और कोई भी सेक्शन नहीं है जिसमें एमएमआर की ये रेट होती है। एमएमआर की वैसे ओरिजिनल रेट क्या है, 42.744%, क्या है, 42.744%, 30% टैक्स, 37% सरचार्ज और 4% सेस, वो आती है 42.744%। लेकिन ये एक स्पेशल सेक्शन है जहाँ एमएमआर कितनी लगती है, 34.944%। अब ये निकलती कैसे है, तो इसका निकलने का तरीका 30% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस। यहाँ सरचार्ज कितना लगता है, 12%। ये गवर्नमेंट ने दे रखा है कि इसको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम माना जाता है, जैसे बाईबैक वाला केस होता है ना, बाईबैक में डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मानते हैं और बाईबैक में भी अपन 12% सरचार्ज लगाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के केस में सरचार्ज हमेशा कितना लगता है, 12%। इस कारण यहाँ सरचार्ज 12 लग रहा है। इस कारण रेट क्या आई है एमएमआर की, 34.944। तो आप इतना याद रखना, 115 टीडी में एमएमआर कितनी लगेगी, 34.944, और बाकी सारे सेक्शन में जो एमएमआर होती है वो कितनी लगती है, 42.744। बाकी के लिए 42.744, बस इसी सेक्शन के लिए क्या है, 34.944%। अब किन केस में होगा ऐसा, ये एग्जिट टैक्स किन किन केस में लगेगा, तो देखो तीन केस ऐसे हैं, तीन केस में एग्जिट टैक्स लगेगा। तीन केस क्या क्या है, पहला अगर ट्रस्ट का किसी नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है, किसी नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। अब आप बोलोगे नॉन एलिजिबल फॉर्म होता क्या है, इसका मतलब है या तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, सीआईटी कर सकते हैं ना रजिस्ट्रेशन कैंसिल, अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स गलत हैं या उसकी एक्टिविटीज जेन्यून वगैरह नहीं है या अदर लोगों को कंप्लाई नहीं करता, तो या तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करता है, ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करता है और उस प्रीवियस ईयर में वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता। आपने देखा था ना, अगर ट्रस्ट ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करता है तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो मान लो ट्रस्ट ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करता है लेकिन वो प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता, या अप्लाई तो करता है, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो करता है लेकिन उसका एप्लीकेशन सीआईटी क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो ऐसे केस में क्या बोला जाएगा, ट्रस्ट का नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन हो गया और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, एग्जिट टैक्स। कौन से केस में, पहला केस क्या है, ट्रस्ट का अगर नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है, नॉन एलिजिबल फॉर्म मतलब या तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करता है, ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करता है और वो उस प्रीवियस ईयर के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता। दूसरा केस, अप्लाई तो करता है लेकिन उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो इसे बोला जाएगा कन्वर्जन ऑफ ट्रस्ट इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म और उसके ऊपर एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। दूसरा केस, ट्रस्ट का ऐसी एंटिटी से मर्जर हो जाता है, ट्रस्ट का ऐसी एंटिटी से मर्जर हो जाता है जिसके ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है, मतलब दूसरा कोई ट्रस्ट है जिससे मर्जर हो जाता है जिसके ऑब्जेक्ट अलग है। मान लो जो ट्रस्ट है इसके ऑब्जेक्ट हैं रिलीफ ऑफ पुअर और दूसरा ट्रस्ट है उसके ऑब्जेक्ट हैं एजुकेशन वाले और उसके हाथ मर्जर हो जाता है, या तो ये केस हो जाता है, या कोई ऐसी एंटिटी से मर्जर हो जाता है जो 12EE में रजिस्टर्ड नहीं है। मान लो किसी कंपनी में या कोई भी एंटिटी है जिसमें ट्रस्ट का मर्जर हो जाता है जो 12EE में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके क्या लग जाएगा, एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। तो ट्रस्ट का किसी ऐसी एंटिटी में मर्जर हो जाता है जिसके ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है या तो, या जो 12EE में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस ट्रस्ट पे क्या हो जाएगा, एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। और तीसरा केस, अगर ट्रस्ट क्या करता है, ट्रस्ट का डिजोल्यूशन हो रहा है, डिजोल्यूशन के टाइम पे ट्रस्ट को क्या करना पड़ता है, जैसे ही जिस मंथ में डिजोल्यूशन हुआ उस मंथ के एंड से 12 महीने के अंदर अंदर ट्रस्ट को अपने असेट्स, अपने जो भी असेट्स हैं वो किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को बांटने पड़ते हैं, किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को बांटने पड़ते हैं जो या तो 12EE में रजिस्टर्ड हो या 1023C में रजिस्टर्ड हो, उनको बांटने पड़ते हैं। लेकिन अगर ट्रस्ट मान लो ऐसा नहीं करता, अगर ऐसा नहीं करता कि ट्रस्ट का डिजोल्यूशन हो रहा है और डिजोल्यूशन जिस मंथ में हुआ उस मंथ के एंड से 12 महीने के अंदर अंदर अगर ट्रस्ट अपने असेट दूसरे ट्रस्ट को नहीं बांटता, तो जितने असेट नहीं बांटे उन पर क्या लग जाएगा, एग्जिट टैक्स लग जाएगा, उन पर लग जाएगा एग्जिट टैक्स। तो तीन केस लगेगा, पहला ट्रस्ट का नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या वो ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करता है, या तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ही नहीं करता, या तो अप्लाई तो करता है लेकिन उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, उसका ऐसी एंटिटी में मर्जर हो जाता है जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं है या तो, या जो 12EE में रजिस्टर्ड नहीं है। और तीसरा केस, वो डिजोल्यूशन के केस में डिजोल्यूशन वाले मंथ से 12 महीने के अंदर अंदर वो अगर अपने असेट दूसरे ट्रस्ट को नहीं बांटता, दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को नहीं बांटता, तो उसके ऊपर एग्जिट टैक्स लग जाएगा एमएमआर की रेट से। ये तीन केस थे। अब आप बोलोगे ये एग्जिट टैक्स लगेगा एक्रेडिटेड इनकम पे। अब ये एक्रेडिटेड इनकम निकालोगे कैसे, तो एक्रेडिटेड इनकम निकालने का तरीका क्या है, आप ट्रस्ट के जो भी असेट्स दे रखे हैं उन सब की क्या ले लो, एग्रीगेट एफएमवी ले लो, उन ट्रस्ट की, उस ट्रस्ट की जो भी असेट्स हैं उनकी एग्रीगेट एफएमवी ले लो और उसमें से ट्रस्ट की सारी लाइबिलिटीज लेस कर दो, सारी लाइबिलिटीज लेस कर दो, ये आ जाएगी एक्रेडिटेड इनकम। और इस एक्रेडिटेड इनकम पे 34.944% की रेट से क्या लग जाएगा, एग्जिट टैक्स लग जाएगा। अब इसे कुछ नोट्स हैं, तीन असेट आपको कभी भी एक्रेडिटेड इनकम में कंसीडर नहीं करना है, तीन असेट्स को आपको इग्नोर करना है। ये तीन असेट्स लैंड भी हो सकते हैं, बिल्डिंग भी हो सकते हैं, शेयर्स भी हो सकते हैं, कोई भी असेट हो सकता है, इनको आपको हमेशा इग्नोर करना है। इन पे एमएमआर की रेट से टैक्स नहीं लगेगा, इन पे एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। पहला, ऐसे असेट जो आपने एग्रीकल्चर इनकम से खरीदे हैं, आपने एग्रीकल्चर इनकम से कोई असेट खरीदा है तो उसको इसमें कंसीडर मत करना, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो पहले से एग्जेम्प्ट होती है। अगर ट्रस्ट रजिस्टर भी नहीं होता तो भी वो 10(1) में एग्जेम्प्ट होती। तो कोई असेट आपने एग्रीकल्चर इनकम से खरीदे हैं तो ऐसे असेट को आप क्या कर देना, इग्नोर कर देना, ऐसे असेट को आप इग्नोर कर देना। दूसरा, कोई एसेट आपने कब खरीदे, जिस दिन ट्रस्ट क्रिएट हुआ था उस दिन से लेकर के जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ उस दिन के बीच में खरीदे हैं, तो उन एसेट को भी इग्नोर करते हैं। जिस दिन ट्रस्ट आपने क्रिएट किया था उस दिन से लेकर के जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ उस दिन के बीच में खरीदे हैं, तो उन
उन असेट को भी इग्नोर कर देना, क्योंकि उन असेट पे आपको बेनिफिट नहीं मिला होगा इलेवन का। आपको बेनिफिट कब से मिलना स्टार्ट होता है, जिस ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जिस ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन होता है उस ईयर से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होता है, जिस ईयर में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो। तो जिस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया उससे पहले वाले ईयर में आपने मान लो कोई असेट खरीदे हैं तो उन पे तो आपको बेनिफिट मिला ही नहीं है सेक्शन 11(2) का, 11 वाला का सेक्शन 11(1) और 11(2) का बेनिफिट मिला ही नहीं है। तो ऐसे केस में उन असेट को भी क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। तो जिस दिन ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ, जिस दिन ट्रस्ट क्रिएट हुआ था, जिस दिन ट्रस्ट क्रिएट हुआ था उस दिन से लेकर के जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ है उस दिन तक जो भी असेट खरीदे हैं तो उन असेट को भी आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। और तीसरा केस है, अगर आपने डिजोल्यूशन वाले केस में जिस मंथ में डिजोल्यूशन हुआ उस मंथ के एंड से 12 महीने के अंदर अंदर जो असेट आपने दूसरे ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उन असेट को इग्नोर कर देना, उन असेट को आप इग्नोर कर देना। तो इन तीन असेट को आपको इग्नोर करना है। अब आपको असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कौन से डेट की निकालोगे, वैल्यूशन डेट क्या होगी, तो वैल्यूशन डेट बता रखी है आपको। देखो अगर ट्रस्ट का नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन वाला केस है, कौन सा केस है, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन वाला केस है, तो जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर आया, जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर आया वो दिन ले लेना, उस दिन को अपन को वैल्यू निकालनी है। दूसरा, अगर आप ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करते हो तो जिस दिन आपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई किया उस दिन की वैल्यू निकालनी है। मर्जर वाले केस में मर्जर वाले दिन की वैल्यू निकालनी है और डिजोल्यूशन वाले केस में डिजोल्यूशन वाले दिन की वैल्यू निकालनी है। कैंसिलेशन वाले केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल वाले केस में जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर आया उस दिन की वैल्यू निकालनी है। ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई वाले केस में मॉडिफिकेशन वाले दिन की वैल्यू निकालनी है। मर्जर वाले केस में मर्जर वाले दिन की वैल्यू निकालनी है और डिजोल्यूशन वाले केस में डिजोल्यूशन वाले दिन की वैल्यू निकालनी है। इन दिन की आपको वैल्यू निकालनी है, इन दिन आपको वैल्यूशन करना है असेट्स और लाइबिलिटीज़ का। अब वैल्यूशन कैसे करना है ये अपन देखते हैं, वैल्यूएशन कैसे करना है। देखो असेट्स का वैल्यूएशन सबसे पहले कैसे करना है आपको, वो देखो आपको असेट्स की एग्रीगेट एफएमवी लेनी है। बैलेंस शीट में जो भी असेट्स आ रहे हैं उन सभी असेट्स की आपको एग्रीगेट एफएमवी लेनी है वैल्यूएशन डेट के दिन की। वैल्यूएशन डेट क्या होती है वो अपन ने देख लिया। वैल्यूएशन डेट के दिन की आपको क्या लेनी है, एग्रीगेट एफएमवी लेनी है आपको। लेकिन उसमें से दो असेट हमेशा आपको नहीं लेने, इन दो को असेट ही नहीं माना जाता, इन दो चीज़ों को क्या क्या, एक तो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स नहीं लेना और दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिज नहीं लेना। तो आपको असेट्स की बैलेंस शीट वाले दिन की एग्रीगेट एफएमवी लेनी है लेकिन दो सेट मिलने इसमें टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है तो इनको इग्नोर कर देना। ऊपर वाले तीन सेट तो इग्नोर करने हैं ही और ये दो सेट और इग्नोर करने हैं। दो सेट कौन कौन से, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब असेट्स की एफएमवी कैसे निकालोगे ये देखो, अगर मान लो ट्रस्ट के पास क्या है, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, कोटेड मतलब लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, लिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड डिवेंचर वगैरह हैं, तो कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वैल्यूएशन डेट को, वैल्यूएशन डेट के दिन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की जो लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस थी, जो लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस थी उसका एवरेज कर देना। मान लो लोएस्ट प्राइस थी 60 और हाईएस्ट प्राइस थी 80, तो 60 और 80 इनका एवरेज कर दिया, क्या आया 60 प्लस 80 डिवाइड बाई 270, 70 हो जाएगी इनकी वैल्यू, पर शेयर वगैरह की वैल्यू आ जाएगी, फिर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कर दोगे टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यूएशन डेट के दिन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उनकी जो लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस थी, लोएस्ट और हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस थी उसका एवरेज कर देना। मान लो वैल्यूएशन डेट को ट्रेडिंग ही नहीं हुई, वैल्यूएशन डेट को मार्केट बंद था, ट्रेडिंग नहीं हुई, ऐसे कैसे करोगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग वैल्यूएशन डेट, वैल्यूएशन डेट से इमीडिएटली प्रीसीडिंग वैल्यूएशन डेट जिस दिन ट्रेडिंग हुई है उस दिन की लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस का एवरेज ले लेना। तो लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस का आपको क्या करना है, एवरेज करना है कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में। दूसरा केस है अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को छोड़ के बाकी जो अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर्स हैं या अनकोटेड डिबेंचर्स वगैरह हैं, तो इनके केस में वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इनके केस में क्या वैल्यू निकालनी है आपको, वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी है किसकी, मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट की, मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट की वैल्यूएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है। मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट, अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यूएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है। आपको अपने अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ओपन मार्केट वैल्यू नहीं लेनी, मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट से वैल्यू आपको कैलकुलेट करवानी है एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट, उनके वैल्यूएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ओपन मार्केट वैल्यू होगी वो क्या मानी जाएगी, इनकी ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। तीसरा, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के केस में क्या करोगे, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स मतलब एक ट्रस्ट ने क्या कर रखे हैं, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के या किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जिस कंपनी के उस ट्रस्ट ने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं उस कंपनी की बैलेंस शीट उठानी पड़ेगी। जैसे मान लो ट्रस्ट ने रोहित प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं तो इस कंपनी की आपको बैलेंस शीट उठानी पड़ेगी। बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटी आ रही है और ये असेट्स आ रहे हैं, ये बैलेंस शीट उठाई ट्रस्ट की नहीं, उस कंपनी की बैलेंस शीट उठानी पड़ेगी और असेट्स का टोटल करना पड़ेगा, असेट्स के टोटल में से लाइबिलिटी का टोटल लेस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी और इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्ट, डिवाइड टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्ट, इस तरह से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब असेट्स की वैल्यू कैसे लोगे, देखो असेट्स की वैल्यू कैसे लोगे, तो इसमें बता रखा है अगर उस कंपनी की बैलेंस शीट में क्या आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं, सिक्योरिटीज आ रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है, शेयर्स आ रहे हैं, सिक्योरिटीज आ रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है, बुलियन ज्वेलरी प्रीसियस स्टोन आ रहा है, बुलियन ज्वेलरी और प्रीसियस स्टोन आ रहा है, इनकी तो आप ले लो मार्केट वैल्यू, क्या ले लो इनका, तो फेयर मार्केट वैल्यू।
इसके अलावा जो भी एसेट आ रहे हैं उसकी कंपनी की बैलेंस शीट में, इसके अलावा इन चीज़ों के अलावा जैसे डेटर आ रहे हैं, स्टॉक आ रहा है, कैश वगैरह आ रहा है, इन सब की क्या ले लो, बुक वैल्यू ले लो। तो शेयर्स, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, इनकी क्या ले लो आप, फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, और बाकी जो भी एसेट आ रहे हैं उस कंपनी की बैलेंस शीट में उनकी ले लो बुक वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगी टोटल एसेट्स की वैल्यू। इसके अलावा आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट में भी कुछ एसेट इग्नोर करने हैं। कौन कौन से एसेट इग्नोर करने हैं? TDS, TCS, एडवांस टैक्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको एसेट नहीं माना जाता। TDS, TCS, एडवांस टैक्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको इग्नोर कर देना अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट में भी आ रहे हैं। तो शेयर, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, इनकी तो ले लो आप फेयर मार्केट वैल्यू। इसके अलावा जो भी एसेट आ रहे हैं उनकी बुक वैल्यू ले लो और दोनों का टोटल कर दो। इसके अलावा TDS, TCS, एडवांस टैक्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इग्नोर कर दो। ये तो आ जाएगी एसेट्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें से लाइबिलिटीज़ की लेस करनी है बुक वैल्यू। लाइबिलिटीज़ की क्या लेस करनी है आपको? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू लाइबिलिटीज़ की लेस करनी है। अब लाइबिलिटीज़ में आपको छह लाइबिलिटी नहीं लेनी, कंपनी की बैलेंस शीट में से आपको छह लाइबिलिटी इग्नोर करनी है। कौन कौन सी लाइबिलिटी इग्नोर करनी है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, एक तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इग्नोर करना है, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस इग्नोर करना है, तीसरा डिविडेंड इग्नोर करना है, चौथा प्रोविजन फॉर टैक्स, पांचवा प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी और छठा कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो छह चीज़ें इग्नोर करनी है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी और कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये आपको इग्नोर करना है। ये इग्नोर करके लाइबिलिटी लेनी है। लाइबिलिटी क्या लेनी है? बुक वैल्यू। पीई मतलब जो उस कंपनी की टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो कंपनी की टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उससे आपको डिवाइड करना है, और पीवी जितने इक्विटी शेयर कैपिटल की पेड अप के शेयर्स ट्रस्ट ने हेल्ड कर रखे हैं, जितनी पेड अप वैल्यू के इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रस्ट ने हेल्ड कर रखे हैं, जितनी पेड अप वैल्यू के इक्विटी शेयर्स या इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रस्ट ने हेल्ड कर रखी है उससे आपको इंटू करना है। उससे इंटू करके आ जाएगी अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू। ये आ जाएगी अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू। ऐसा इसका भी एक क्वेश्चन अपने किया था इस वाले पॉइंट का भी। अब फोर्थ पॉइंट आ जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रस्ट के पास मान लो जो असेट है वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड या बिल्डिंग है। इनकी वैल्यू क्या लोगे? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू, विच वट इज हायर। वैल्यूएशन डेट को जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो ले लो, और जो ओपन मार्केट वैल्यू है एज पर रजिस्टर्ड वैल्यू है वो ले लो। इन दोनों में से जो भी हायर है वो इनकी वैल्यू लेंगे अपन। और इनके अलावा कोई भी असेट है, इनके अलावा कोई और भी एसेट है उनकी क्या लेनी है आपको? ओपन मार्केट वैल्यू। इनके अलावा कोई और भी एसेट है उनकी आपको क्या लेनी है? ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है। इस तरह से सबकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ और है, मान लो ट्रस्ट के पास कैश वगैरह है, बैंक वगैरह है, उनकी जो वैल्यू होती है उनकी बुक वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू सेम होती है। ऐसा नहीं कि कैश की बुक वैल्यू है 5 लाख और ओपन मार्केट वैल्यू 6 लाख, ऐसे हो नहीं सकता कभी भी। तो उनकी ओपन मार्केट वैल्यू एक तरीके से क्या होती है? बुक वैल्यू, कैश की और बैंक अकाउंट की और कैश की। अब आते हैं अपन लाइबिलिटीज़। असेट्स तो ले लिया अपने ट्रस्ट की, अब लाइबिलिटीज़ क्या लोगे ट्रस्ट की? तो जो भी बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज़ आ रही है उनकी आपको बुक वैल्यू लेनी है, वैल्यूएशन डेट की, वैल्यूएशन डेट की बुक वैल्यू लेनी है लाइबिलिटीज़ की बैलेंस शीट में जो भी आ रही है। लेकिन पांच चीज़ें इग्नोर करनी है, पांच चीज़ें आपको लाइबिलिटी में नहीं लेनी। क्या क्या नहीं लेनी? एक तो कॉर्पस कैपिटल या अकुमुलेटेड फंड, कॉर्पस फंड बोल दो या तो, या कैपिटल फंड बोल दो या अकुमुलेटेड फंड बोल दो, कॉर्पस कैपिटल या अकुमुलेटेड फंड नहीं लेना एक तो। एक रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेना, एक प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना, एक प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी नहीं लेना, और एक कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं लेना। क्या क्या नहीं लेना? कॉर्पस कैपिटल अकुमुलेटेड फंड नहीं लेना, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेना, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी नहीं लेना, और कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं लेना। ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। अब अदर पॉइंट कुछ हो रहे हैं वो देख लेते हैं। जो एग्जिट टैक्स आपको पे करना है ना, ये एडिशन है नॉर्मल इनकम टैक्स। ऐसा नहीं कि आपका जो नॉर्मल इनकम टैक्स बना है उसको आप इसे सेट ऑफ कर लोगे, वो आपको अलग देना है। ये एग्जिट टैक्स अलग देना है, ये बिल्कुल एडिशनल टैक्स है, ये आपको अलग से देना है। दूसरा, एग्जिट टैक्स आपको मतलब ट्रस्ट को गवर्नमेंट को पे करना है, एग्जिट टैक्स ट्रस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है विदिन 14 डेज। कितने टाइम में पे करना है? विदिन 14 डेज। अब आप बोलोगे 14 डेज काउंट कहाँ से करेंगे? काउंट करने का देखो डेट देखते हैं अपन, काउंट कहाँ से करेंगे। तो पहला केस था कन्वर्जन हो जाता है ट्रस्ट का नॉन एलिजिबल फॉर्म में, या तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या वो ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर देता है। अब ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर देता है और उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, एक तो ये वाला केस ले लेते हैं, एक रजिस्ट्रेशन कैंसिल वाला केस। इन दोनों केस में क्या करना है? इन दोनों केस में मान लो आप कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में, कमिश्नर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया या कमिश्नर ने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, और आप कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में चले गए ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में चले गए, और ITAT ने आपके अगेंस्ट में फैसला सुनाया, मतलब कमिश्नर के ऑर्डर को उसने कन्फर्म कर दिया और आपके अगेंस्ट में फैसला सुनाया। तो जैसे ही ITAT का ऑर्डर रिसीव होगा, उसके 14 डेज के अंदर अंदर आपको एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दूसरा केस है, मान लो आप ITAT में गए नहीं, कमिश्नर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया या कमिश्नर ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो आप ITAT में गए नहीं, और ITAT में जाने का टाइम लिमिट होता है 60 डेज। ITAT में जाने का टाइम लिमिट कितना होता है? 60 डेज, और 60 डेज एक्सपायर हो गए। तो जैसे ही 60 डेज एक्सपायर हुए, उसके बाद के 14 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब दूसरा केस है, आपने ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई किए और आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो जिस ईयर में आपने ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई किए थे उस ईयर के एंड से 14 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
दूसरा केस था मर्जर वाला केस। तो मर्जर वाले केस में जो मर्जर की डेट थी, जिस दिन मर्जर हुआ था उस डेट से 14 डेज के अंदर अंदर, उस डेट से 14 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा एग्जिट टैक्स का। और तीसरा केस था डिजोल्यूशन वाला केस। डिजोल्यूशन में क्या करना पड़ता है आपको, जिस मंथ में डिजोल्यूशन हुआ उस मंथ के एंड से 12 महीने में आपको असेट दूसरे ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। आपने ऐसा नहीं किया तो जैसे ही 12 महीने का पीरियड एक्सपायर हुआ, जैसे ही 12 मंथ का पीरियड एक्सपायर हुआ उसके बाद से 14 डेज के अंदर अंदर, उसके बाद से 14 डेज के अंदर अंदर आपको एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से एग्जिट टैक्स का पेमेंट हो गया यहाँ पे। अगर आप एग्जिट टैक्स 14 डेज में पे नहीं करते, अगर आप एग्जिट टैक्स 14 डेज में पे नहीं करते तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जैसे बाईबैक में लगता था ना सेम, वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगेगा जितना टैक्स आपने नहीं पे किया। जैसे मान लो आप एग्जिट टैक्स बनता था 10 लाख का और आपने 8 लाख पे कर दिया, 2 लाख बचा हुआ है तो 2 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। मान लो आपने 10 लाख पूरा पे नहीं किया तो पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। कैसे लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और ये इंटरेस्ट लगना कब से स्टार्ट होगा? जैसे ही 14 डेज खत्म हो जाएंगे तो 15th डे से स्टार्ट होगा। और कब तक लगेगा? जब तक आप टैक्स जमा नहीं करवा देते, 15th डे से स्टार्ट होगा। और जिस दिन आप टैक्स एक्चुअल में जमा करवाओगे, जिस दिन आप टैक्स एक्चुअल में जमा करवाओगे उस दिन तक लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से। इसके अलावा एक चीज़ और हो जाएगी, जो ट्रस्टी है या प्रिंसिपल ऑफिसर है ट्रस्ट का, ट्रस्टी या प्रिंसिपल ऑफिसर ट्रस्ट का, वो और ट्रस्ट दोनों को डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। दोनों को असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा तो कुछ अवार्ड नहीं मिलेगा आपको, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी किसकी? जितना टैक्स आपका बनता है उतने अमाउंट की पेनल्टी लग सकती है अगर आप टैक्स 14 डेज में जमा नहीं करवाते तो असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। और अगर आप टैक्स 14 डेज में जमा नहीं करवाते और आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह के प्रोविजन लग सकते हैं, असेसी इन डिफॉल्ट वाले प्रोविजन आपके ऊपर लग जाएंगे। किसके ऊपर? ट्रस्टी के ऊपर और ट्रस्ट के ऊपर। ये था एग्जिट टैक्स वाला प्रोविजन जो अपन ने पूरा कवर कर लिया। अब आते हैं अपन अगले सेक्शन में, सेक्शन 13 ए, टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ज़्यादा काम का टॉपिक नहीं है और काफ़ी छोटा टॉपिक है। तो पॉलिटिकल पार्टी का टैक्सेशन कैसे होता है बताता है कि पॉलिटिकल पार्टी की काफ़ी सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पॉलिटिकल पार्टी की काफ़ी सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अब ये 5 कंडीशन है, पहले क्या है वो अपन देख लेते हैं। पहली कंडीशन, उस पॉलिटिकल पार्टी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरा, उस पॉलिटिकल पार्टी को उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्या करवानी पड़ेगी? ऑडिट करवानी पड़ेगी। तीसरा, उस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी रिटर्न ड्यू डेट से फाइल करनी पड़ेगी। चौथा कंडीशन है, अगर पॉलिटिकल पार्टी को जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है, मतलब डोनेशन जो मिलता है, अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा का मिलता है, 20,000 से ज़्यादा का मिलता है किसी पर्सन से, 20,000 से ज़्यादा का मिलता है तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जिस डोनर से उसको 20,000 से ज़्यादा का मिला तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड में क्या रखना पड़ेगा? उस डोनर का नाम और एड्रेस, उस डोनर का नाम और एड्रेस उसको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। और पाँचवीं कंडीशन है, अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिल रहा है 2,000 रुपये से ज़्यादा का, किसी पर्सन से 2,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन मिल रहा है तो उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे रिसीव करना है? ओनली अकाउंट पे ही चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड और इलेक्ट्रोल बॉन्ड। कैसे रिसीव करना है? अकाउंट पे ही चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ही रिसीव करना है। अगर वो कैश में रिसीव करती है तो कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी। तो 5 कंडीशन क्या क्या? बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, बुक्स की ऑडिट करवानी पड़ेगी, आरओआई टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी। चौथी कंडीशन है, उसको अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन मिलता है किसी पर्सन से, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड मतलब नेम और एड्रेस। और पांचवी कंडीशन क्या है, अगर वो डोनेशन 2,000 रुपये से ज़्यादा का रिसीव करती है तो उसको ओनली कैसे रिसीव करना है? उसको अकाउंट पे ही चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोल बॉन्ड। अप टू 2,000 वो कैश में रिसीव कर सकती है, 2,000 से ज़्यादा का रिसीव करती है तो अकाउंट पे ही चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ही उसको रिसीव करना है। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्स की इनकम और जो डोनेशन रिसीव हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्स की इनकम और जो डोनेशन रिसीव हुआ है, ये चारों की चारों इनकम उसकी फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगी, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगी। सैलरी की इनकम होती नहीं है पॉलिटिकल पार्टी की। चार इनकम कौन कौन सी एग्जम्प्ट हो जाएंगी? हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और डोनेशन, ये चारों इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगी। मान लो इनमें से 4 इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी, अब एक इनकम बची बिजनेस वाली इनकम, बिजनेस वाली इनकम फुल्ली टैक्सेबल होगी। बिजनेस वाली इनकम हमेशा क्या होगी? पॉलिटिकल पार्टी की फुल्ली टैक्सेबल होगी। तो पॉलिटिकल पार्टी की 4 इनकम कौन कौन सी एग्जम्प्ट होगी? हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और डोनेशन वाली, और बिजनेस वाली फुली टैक्सेबल होगी। अब इसमें अगला पॉइंट है, मान लो इसमें से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, मान लो पॉलिटिकल पार्टी बुक्स मेंटेन नहीं करती या तो, या ऑडिट नहीं करवाती या तो, या रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करती या तो, या किसी पर्सन से 20,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन रिसीव करती है वो और रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती, या किसी पर्सन से वो 2,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन कैश में रिसीव कर लेती है, कैश, पीरियड चेक, क्रॉस चेक से, तो ऐसे केस में क्या हुआ? कोई एक कंडीशन पूरी नहीं होती तो अपन क्या करेंगे? सारी इनकम टैक्सेबल कर देंगे, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल कर देंगे। अगर कोई सी भी एक कंडीशन वायलेट होती है तो अपन सारी की सारी इनकम, जो सारी इनकम है ना, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, डोनेशन और बिजनेस एंड प्रोफेशन, सारी इनकम टैक्सेबल कर देंगे। इंस्टीट्यूट 2 व्यू लेता है। पहला व्यू तो क्या लेता है? वो सारी इनकम टैक्सेबल कर देता है, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल कर देता है। और अल्टरनेट आंसर में क्या करता है? जो वायलेशन वाला पार्ट है उसको टैक्सेबल करता है। जैसे मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक पर्सन से 5,000 रुपये कैश में रिसीव कर लिए,
तो पहला व्यू पॉइंट तो क्या है, सारी इनकम टैक्सेबल कर दो, और ये सबसे बेस्ट है, सारी इनकम ही आप टैक्सेबल कर दो। और दूसरा व्यू पॉइंट क्या है कि 5,000 रुपये जो उसने कैश रिसीव करे खाली इसको टैक्सेबल कर दो, और जो बाकी जो उसको एग्जम्पशन मिलती है वो उसको दे दो, लेकिन जो वायलेशन वाला पार्ट है वो टैक्सेबल कर दो। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, सारी इनकम टैक्सेबल करता है, इंस्टीट्यूट आजकल क्या करता है, सारी इनकम टैक्सेबल करता है। तो आपको भी क्या करनी है, अगर एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो सारी इनकम टैक्सेबल कर दो, आप तो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल कर दो। क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद देखा अपन ने टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट, सेक्शन 13 भी इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन था, फालतू था। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट देखो ये एक तरीके से बिचौलिए होते हैं, ये गवर्नमेंट वगैरह इलेक्शन कमीशन वगैरह क्रिएट करते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट ये क्या करते हैं, डोनेशन रिसीव करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये लोगों से डोनेशन रिसीव करते हैं, ये लोगों से डोनेशन रिसीव करते हैं ताकि ये उस डोनेशन को पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये डोनर और पॉलिटिकल पार्टी के बीच के क्या होते हैं, बिचौलिए होते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट। इंडिया में लगभग 26 हैं ये इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो क्या करते हैं, लोगों से डोनेशन रिसीव करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये काम होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट का। 13B में इनका टैक्सेशन बता रखा है, इनकी मेन इनकम क्या होती है, डोनेशन की, मेनली इनको डोनेशन मिलता है और वो डोनेशन ये एक पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कभी कभी इनकी एक इनकम और हो जाती है इंटरेस्ट की, क्या कर देते हैं ये डोनेशन का, डोनेशन की FD करवा देते हैं, या डोनेशन को ये कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इनको इंटरेस्ट वगैरह की इनकम भी हो जाती है। तो मेन इनकम इनकी डोनेशन की ही होती है और इंटरेस्ट वगैरह की इनकम होती है। तो क्या दे रखा है 13B में, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन मिला है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो भी डोनेशन मिला है करंट ईयर में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके लिए कंडीशन है, लेकिन कंडीशन क्या है, कम से कम जितना डोनेशन मिला है उसका कम से कम 95%, कम से कम कितना, एटलीस्ट 95% उसको इलेक्टोरल ट्रस्ट को उस डोनेशन को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो भी डोनेशन मिला वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन कम से कम 95% डोनेशन उस इलेक्टोरल ट्रस्ट को किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उसको 95% डोनेशन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक इलेक्टोरल ट्रस्ट को 2021 में 1 करोड़ रुपये का डोनेशन मिला, तो कम से कम 95% मतलब 95 लाख रुपये उसको पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका जितना भी डोनेशन मिला पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, लेकिन अलॉन्ग विथ सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एक इलेक्टोरल ट्रस्ट था, उसको 19-20 में 1 करोड़ का डोनेशन मिला, तो 19-20 में इसने 95 लाख क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 95% करने थे, 95 लाख इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पॉलिटिकल पार्टी को, बचा कितना, 5 लाख का बच गया। 19-20 का सरप्लस कितना बचा, 5 लाख का। अब 2021 करंट ईयर में 2021 में इसको 1 करोड़ का और मिल गया, 1 करोड़ का और मिल गया। अब करंट ईयर में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसको 95% जो करोगे किसका करोगे, तो यहाँ पे 95 जो करना है आपको, 1 करोड़ प्लस 5 लाख 1.05 करोड़, मतलब 1 करोड़ 5 लाख का आपको 95% डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब एक तो करंट ईयर का डोनेशन, प्लस आप कोई पुराना उठा के लेके आए, पुराना कोई सरप्लस आप करंट ईयर में लेके आए, कोई पुराना सरप्लस आप ब्रॉड फॉरवर्ड करके करंट ईयर में लेके आए, उन दोनों के सम का आपको 95% डिस्ट्रीब्यूट करना, उन दोनों के सम का 95% डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पॉइंट है इसमें, जो 95% डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करंट ईयर का नहीं करना, करंट ईयर का डोनेशन प्लस कोई पुराना आप उठा के लेके आए, पुराना कोई सरप्लस आप उठा के लेके आए करंट ईयर में, तो उन दोनों के सम का आपको 95% क्या करना है, पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपकी डोनेशन वाली इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी इलेक्टोरल ट्रस्ट के केस में। अब इसमें एक नोट दे रखा है, नोट क्या है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को और कोई इनकम होती है, जैसे इंटरेस्ट की इनकम हो जाती है FD वगैरह पे, तो वो क्या होगी, फुली टैक्सेबल होगी, फुली टैक्सेबल होगी, उस पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो डोनेशन एक्सेप्ट करना है वो कैसे एक्सेप्ट करना है, ओनली अकाउंट पे ही चेक से, DD से, ECS से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से। इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो डोनेशन एक्सेप्ट करना है ओनली अकाउंट पे ही चेक, DD, ECS, इलेक्ट्रॉनिक मोड से एक्सेप्ट करना है, बाकी मोड में एक्सेप्ट नहीं करना। तीसरा पॉइंट है, इलेक्टोरल ट्रस्ट जो डोनेशन रिसीव कर सकता है 3 लोगों से रिसीव कर सकता है, या तो कोई भी इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन है, रेजिडेंट चाहिए कहीं का भी हो, लेकिन सिटीजन कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का, इंडिया के सिटीजन से एक्सेप्ट करना है। दूसरा, कोई ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, मतलब एक तरीके से इंडियन कंपनी से एक्सेप्ट कर सकता है। और तीसरा, कोई फर्म है, HUF है, AOP, BOI है, जो इंडिया की रेजिडेंट है, इनसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट डोनेशन किन से ले सकता है, इंडियन सिटीजन से ले सकता है, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया से ले सकता है, फर्म HUF, AOP, BOI, रेजिडेंट इन इंडिया, इनसे डोनेशन ले सकता है। इसके बाद एक पॉइंट दे रखा है, इलेक्टोरल ट्रस्ट किन से डोनेशन नहीं ले सकता, किन लोगों से डोनेशन नहीं ले सकता, तो 5 लोगों से डोनेशन नहीं ले सकता। 5 लोग कौन कौन, एक तो ऐसे इंडिविजुअल जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल जो इंडिया के सिटीजन नहीं है उनसे डोनेशन नहीं ले सकता। जैसे अक्षय कुमार है, वो कनाडा का सिटीजन है, इंडिया का नहीं है, तो उसे डोनेशन नहीं ले सकता। चाहे रेजिडेंट इंडिया का है, कोई मतलब नहीं है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए तो ले सकता है, इंडिया का सिटीजन नहीं है तो नहीं ले सकता इलेक्टोरल ट्रस्ट। दूसरा, फॉरन एंटिटी, फॉरन की कोई एंटिटी, फॉरन की एंटिटी मतलब फॉरन कंपनी है, या फॉरन की पार्टनरशिप फर्म है, या फॉरन की AOP BOI है, या फॉरन की HUF है, उनसे डोनेशन नहीं ले सकता। तीसरा, किसी दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट से डोनेशन नहीं ले सकता, किसी दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट से डोनेशन नहीं ले सकता। चौथा, गवर्नमेंट कंपनी से डोनेशन नहीं ले सकता, और पांचवा, फॉरन सोर्स से डोनेशन नहीं ले सकता। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट कोई ऐसे इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसे डोनेशन नहीं ले सकता,
फॉरेन एंटिटी से डोनेशन नहीं ले सकता, एनी अदर इलेक्टोरल ट्रस्ट से डोनेशन नहीं ले सकता, गवर्नमेंट कंपनी से डोनेशन नहीं ले सकता और फॉरेन के सोर्स से डोनेशन नहीं ले सकता, इनसे डोनेशन इलेक्टोरल ट्रस्ट नहीं ले सकता। ये था आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट वाला टॉपिक जो कंप्लीट हो गया, और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता दिया, 10 मार्क्स का आता है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।